ऑलराइट हम लोग मुद्दे को बढ़ाते हैं। आज हम लोग का बेहद इंपॉर्टेंट क्लास है। आज हम लोग क्रिप्टो करेंसी, ये ब्लॉकचेन वगैरह जो इतने समय से हमको न्यूज में या दूसरे दूसरे जगह पे सुनने को मिलता है, आज उसके बारे में जरा समझते हैं कि क्या चीज है। लेकिन हम अपनी कहानी में आगे बढ़े उससे पहले हम एक बार फिर से पीछे से कड़ी जोड़ देना चाहते हैं कि हमारी कहानी कैसे चल रही है। हम मुद्रा के विकास की कहानी है, मुद्रा के चैप्टर में चल रहे हैं। थोड़ा लंबा चला गया है, इस चलते आप लोग ट्रैक ना खो दें, आप समझे कि ये जुड़ी हुई एक ही कहानी चल रही है। हम अलग अलग विभिन्न प्रकार की मुद्राओं को देखे, आरंभिक मुद्रा वस्तु मुद्रा के रूप में, धातु मुद्रा के रूप में, आगे डेवलपमेंट होगा तो कागजी मुद्रा यानी फिएट करेंसी आ जाएगा, उससे आगे चलेंगे तो बैंक मुद्रा आ गया, और बैंक मुद्रा के साथ डिजिटल वाला जितना भी फिनटेक का चीज था वो फैल करके लंबा हो गया था, क्योंकि बैंक मुद्रा में करंट अफेयर्स और फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी इतना है। आज हम इस विकास की श्रृंखला में आखिरी करेंसी के ऊपर बात करने जा रहे हैं। ये अभी पूरे तरीके से अपनाया भी नहीं गया है, ये विकास हो रहा है, विकसित हो रहा है, धीरे धीरे करके इसका प्रचलन बढ़ रहा है। ये भविष्य की मुद्रा प्रणाली है। हम लोग देखेंगे कि ये कितना काम करेगा, कितना नहीं करेगा। थोड़ा हम लोग इस क्रिप्टो करेंसी के बारे में समझे। बिटकॉइन वगैरह तो आप सभी सुने होंगे कभी ना कभी, और उसके आपका जो सुनने में आया होगा कि कुछ बढ़िया चीज है या उसमें पैसा बनता है, बिटकॉइन में पैसा लगाइए तो प्रॉफिट होगा, कुछ इस तरीके का मीडिया का खबर आप लोगों तक पहुंचा होगा। आज हम जरा इसके तकनीकी पहलू को भी समझते हैं, इस पे नियंत्रण और नियामक की क्या चुनौती है, हम उस पहलू पर भी बात करेंगे और फिर देखेंगे कि अभी कहाँ पे चल रहा है। लेकिन आज के मुद्दे में हम लोग क्रिप्टो करेंसी जरूर पढ़ रहे हैं, लेकिन आज के टॉपिक का स्टार क्रिप्टो करेंसी नहीं है। असल में क्रिप्टो करेंसी एक सेकेंडरी चीज है, जो ओरिजिनल चीज होता है वो ब्लॉकचेन कहलाता है। कहीं पे भी अगर क्रिप्टो करेंसी है तो वो किसी ब्लॉकचेन से निकला हुआ है, जो ओरिजिनल टेक्नोलॉजी था, जो ओरिजिनल टेक्नोलॉजी है जिसके ऊपर ब्लॉकचेन काम करता है, वो हमारे पास ब्लॉकचेन क्रिप्टो करेंसी जिस पे काम करता है वो ब्लॉकचेन है। यानी कि क्रिप्टो करेंसी क्या है, एक कंप्यूटर आधारित मुद्रा है जो कहीं पे अगर ब्लॉकचेन लगाया जाएगा तो उसके परिणाम स्वरूप में उत्पन्न होता है। आप कहीं पे ब्लॉकचेन लगाएंगे तो क्रिप्टो करेंसी पैदा होगा। इसमें पहले हम लोग को ब्लॉकचेन समझना होगा और उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि फिर क्रिप्टो करेंसी क्या है। तो पहला आइडिया हम लोग समझे कि ये ब्लॉकचेन ब्लॉकचेन क्या हो रहा है। देखिए, ब्लॉकचेन एक बेहद क्रांतिकारी विचार है और ये आइडिया है, एक बेहद क्रांतिकारी विचार है, और ये टेक्नोलॉजी कल के गए दुनिया बदलने वाला है। मतलब इंटरनेट ने आया और दुनिया बदल दिया। इंटरनेट से पहले की दुनिया देखिए, सूचना का कितना समस्या होता था, लाइब्रेरी जाना पड़ता, लाइब्रेरी में किताबें हैं नहीं है। आज देखिए कि सारा सूचना इंटरनेट के माध्यम से आपके फोन पे बैठा हुआ है। इंटरनेट ने संचार को कितना सुलभ बना दिया, इंटरनेट ने व्यापार को कितना सुलभ बना दिया। लेकिन हमारा क्या आपको कहना है कि इंटरनेट मानवों के जीवन को जितना बदला है, ब्लॉकचेन उससे ज्यादा बदलेगा। इट इज बिगर देन इंटरनेट। अभी अपने पूरे स्वरूप में नहीं आया है, अभी के समय हम ही इसकी पूरी क्षमता को नहीं समझ रहे हैं। अलग अलग जगह पे अभी हम लोग देख रहे हैं, प्रयास जारी है, लेकिन कल की दुनिया में ब्लॉकचेन एक रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी है जो इंटरनेट से बड़ा प्रौद्योगिकी का बड़ा बदलाव लेकर के आने वाला है ना। ब्लॉकचेन कहाँ से आता है, ये ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी की शुरुआत कहाँ से होती है? देखिए, 2008 में एक वाइट पेपर पब्लिश किया गया था। वाइट पेपर या श्वेत पत्र कहने का मतलब होता है, ये रिसर्च डॉक्यूमेंट होता है। आप जब किसी एक सब्जेक्ट पे रिसर्च किए तो अपने रिसर्च के फाइंडिंग को जो आप पब्लिश करते हैं वो वाइट पेपर कहलाता है। ये एक आदमी ने ये रिसर्च पेपर पब्लिश किया और आदमी का नाम लिखा हुआ था सतोशी नाकामोटो, लेकिन इस नाम का बाद में कोई आदमी नहीं मिला। यानी कि जिसने भी ये वाइट पेपर पब्लिश किया उसने अपना नाम भी नहीं इस्तेमाल किया, वो कोई झूठा नाम बता करके वो पेपर पब्लिश करता है। हमको अभी भी नहीं पता है कि ये टेक्नोलॉजी, ये बात कहने वाला आदमी कौन था या कोई समूह था। एक स्यूडोनिम से बात शुरू होती है, एक पेपर पब्लिश होता है। दिखने के लिए तो ऑर्डिनरी पेपर था, 2008 में आया और 2009 से बिटकॉइन की शुरुआत हो जाएगी। और बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है जो उस ब्लॉकचेन का जो आइडिया उस पेपर में पब्लिश था उसी के आधार पर बिटकॉइन नाम का क्रिप्टो करेंसी शुरू हो गया।
गया। पहले समझते हैं कि उस पेपर में सतोशी नाकामोटो जो भी हो वो कहना क्या चाह रहे थे और ये पेपर इतना इन्फ्लुएंशियल डॉक्यूमेंट क्यों माना जाता है। एक आदमी ने क्रेडिट भी नहीं लिया और वो इतना बड़ा डॉक्यूमेंट है कि कल के गए पूरी दुनिया को बदलने वाला है ये, वहां से चीजें शुरू हुई। और कई बार टेक्नोलॉजी में आप आमतौर पर क्या देख रहे हैं, बेहद छोटे लेवल पे। एक लाइनस टॉरवाल्ड्स नाम का एक कॉलेज का स्टूडेंट था जिसने ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप कर दिया, आज सबके हाथों हाथ में एंड्रॉयड है, दुनिया में इतने बड़े लिनक्स के सुपर कंप्यूटर्स हैं, सब एक छोटी सी चीज से, एक छोटा चीज जो है वो चीजों को खड़ा कर देता है ना। सतोशी नाकामोटो अपनी इस पेपर में जो विचार रख रहे हैं वो क्रांतिकारी विचार है और अब तक मानव उस तरीके से सोचते ही नहीं है। वो जो उस पेपर में पब्लिश कर रहे हैं वो हमारे अब तक के कॉमन सेंस सोचने के तरीके को चुनौती देते हैं कि अब तक आप जो सोच रहे थे वो तो कितना उटपटांग सोच रहे थे, आप ऐसे ना सोच करके, अगर आप ऐसे सोच ले तो पूरी दुनिया ही बदल जाएगी। उनका विचार क्या था, देखिए उनके हिसाब से दुनिया में, और उनके हिसाब से नहीं ये सत्यापित बात है, आप देखिए कि इसमें इतना रेजोनेंस क्यों मिलेगा, सब लोग इसके इतना समर्थन क्यों होगा। उनके नजर से दुनिया जो है वो अलग अलग बही खातों से मिलकर के बना है। मतलब पूरे दुनिया में देखिए तो सब कुछ बही खाता है। एक सरकार के लिए आप सिटीजन एक बही खाता की एंट्री है, एक बैंक के लिए आप बही खाता की एंट्री है, आप जिस कॉलेज में स्कूल में पढ़ रहे थे तो उस समय आप एक बही खाता की एंट्री थे, जब आप स्कूल से कॉलेज में गए तो आप एक बही खाता की एंट्री हुए, इनकम टैक्स के लिए आप एक बही खाता की एंट्री है जिसका पैन नंबर ये है, जिसे इतना पैसा लेना है। पूरी दुनिया बही खाता के ऊपर काम करती है, बल्कि हमारे पास भी बही खाता होता है, हम भी एक बही खाता रख रहे हैं और पूरी दुनिया बही खाता पे काम कर रही है। शैक्षणिक दुनिया देखिए बही खाता में है, जब तक आप स्कूल में हैं तब तक एक स्कूल के बही खाता में आपका एंट्री है, जब आप पास करके कॉलेज में चले जाएंगे तो इसके बही खाता से आपका नाम कट के उसके बही खाता में आप आ जाइएगा, कॉलेज से पास कीजिएगा तो रोजगार के लिए जिसके पास जाइएगा उसके पास भी, जितने लोग काम कर रहे हैं आप क्या है, एक बही खाता की एंट्री है। बैंक में पैसा तो बही खाता का एंट्री ही है, हमारा सारा जीवन एक बही खाता का एंट्री है। अस्पताल में है तो वो एक बही खाता का एंट्री है, आपका जीवन मरण एक बही खाता का एंट्री है, यानी पूरी दुनिया जो है वो बही खाते पे काम करती है, सब कुछ बही खाते पे काम करता है। अब तक जो हम लोग बही खाता चलाते हैं वो एक अथॉरिटी बेस्ड बही खाता है, मतलब एक टॉपिक का एक आदमी को प्राधिकार माने, एक आदमी को अथॉरिटी माने और वो एक बही खाता मेंटेन कर रहा है। जैसे आपके खाते में कितना पैसा है आप हमसे पूछने जाइएगा तो हमारे पास ये डाटा नहीं है, क्योंकि ये बही खाता हम नहीं मैनेज कर रहे हैं, आपका बैंक मैनेज कर रहा है, आपका बैंक बताएगा कि आपके खाते में कितना पैसा है। यही आपका आयकर का अब तक का क्या मामला चला है, इसके लिए बही खाता इनकम टैक्स मेंटेन कर रहा है कि अब तक आप इनकम टैक्स रिटर्न क्या क्या भरे हैं, कैसे कैसे भरे हैं। आपके एजुकेशनल रिकॉर्ड के लिए स्कूल कॉलेज और दूसरे संस्थान जो हैं वो अपना बही खाता मेंटेन कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे कोचिंग में आपने कितना फी दिया है ये बही खाता आपके स्कूल कॉलेज के पास नहीं है, क्योंकि हम अथॉरिटी हैं, वो हम मेंटेन कर रहे हैं, उसके बारे में जानकारी चाहिए तो आप हमारे पास आइएगा। हर कोई अपना अपना बही खाता मेंटेन कर रहा है ना, मौजूदा दुनिया ऐसी है। इस मौजूदा दुनिया में कोई भी लेन देन होता है तो कई बही खातों में बदलाव होता है। जैसे कि आप जब आप स्कूल में एंट्री लिए तो आप एक बही खाते में आपका एंट्री हुआ, आप स्कूल के एक स्टूडेंट के रूप में एंट्री लिए, लेकिन जब आप एक स्कूल को पास करके कॉलेज में एंट्री लेंगे तो क्या होगा, आपका स्कूल वाला एंट्री खत्म हो जाएगा, उस खाते से आपका नाम कट जाएगा और आप एक दूसरे खाते में चले जाएंगे जो कि कॉलेज मेंटेन कर रहा है। फिर कॉलेज से पास कीजिएगा तो जहां पे नौकरी कर रहे हैं आपका एजुकेशनल डॉक्यूमेंट उसके पास चला जाएगा, आगे का रिकॉर्ड वो मेंटेन कर रहा है। ये अथॉरिटी बेस्ड है और कुछ भी लेन देन हो रहा है तो कई बही खातों में बदलाव होने की जरूरत है। जैसे एग्जांपल देखें, आपने अगर हमको फी दिया तो देखने को लग रहा है कि दो आदमी के बीच में ट्रांजेक्शन हुआ, लेकिन इस ट्रांजेक्शन में कितना कुछ बदला। एक तो कि आपके बैंक जो कि आपका बही खाता मेंटेन कर रहा है उसको बदलना पड़ेगा, मेरा बैंक जो मेरा बही खाता मेंटेन कर रहा है उसको बदलना पड़ेगा, बीच में इनकम टैक्स जो कि बड़ा लेन देन हो रहा है तो वो अपना बही खाता ये चेंज करेगा। यानी एक लेन देन में कई लोगों को बही खाता चेंज करना पड़ता है, चाहे वो फाइनेंशियल
रियल लेन देन हो, चाहे वो किसी भी तरीके का, आप आपके पास अगर आपने बिजली कितना कंज्यूम किया है तो ये डाटा तो आपका जो बिजली प्रोवाइडर है उसके पास खाता मेंटेन है, वो बताएगा कि आपका बिजली का कितना कंजम्पशन है, आपके पानी का कितना कंजम्पशन है, ये बही खाता नगर पालिका मेंटेन कर रहा है वो बताएगा कि इसका कितना है। पूरी दुनिया अलग अलग लोग अपने अपने तरीके का बही खाता मैनेज कर रहे हैं, और दुनिया में कुछ भी ट्रांजेक्शन होता है तो कई बही खातों की एंट्री चेंज होती है। जैसे उदाहरण हम आपको एक और देना चाहेंगे, हालांकि हम सिर्फ वित्तीय उदाहरण पे नहीं रहना चाहते हैं, पर देखिए कि अगर हम यहाँ से भारत से एक सूडान में एक एनजीओ है उसको पैसा हम डोनेशन में भेजना चाहते हैं, है ना, और लेट से कि हम उसको पैसा डोनेशन में ट्रांसफर किए, इसमें कितने खातों में चेंज हुआ? एक तो कि हमारे खाते में चेंज हुआ, जो पैसा हम भेज दिए हमारा खाता जो मैनेज कर रहा है उसको आंकड़ा चेंज करके कम करना पड़ेगा, लेकिन सिर्फ इतना नहीं, हमारे खाते से पैसा गया है, बीच में आरबीआई इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन को देख रहा है, वो अपना खाता मैनेज करेगा कि देखिए इतना पैसा इंडिया से बाहर गया, इनकम टैक्स देख रहा है, वो अपना खाता चेंज करेगा कि इतना पैसा का उसका ट्रांजेक्शन हुआ। ये तो सिर्फ इतना हमारे साइड में, उनके देश में भी देखिए कि एक नियामक होगा जो कि अपना खाता चेंज करेगा, और लास्ट में जिसको भी हम एनजीओ को पैसा दिए हैं उसके बैंक में जब पैसा जाएगा तो इसका मतलब क्या है, बैंक वालों को भी अपना खाता चेंज करना पड़ेगा। यानी पूरी दुनिया खाते के हिसाब से काम करती है, आप इस खाते का हिस्सा है, आप उस खाते में है, पूरा जिंदगी जन्म से मरण जो है सो खाते में चलता है। सतोशी नाकामोटो इस बात पे आपत्ति उठाते हैं, वो क्या कह रहे हैं कि ये जो मौजूदा सिस्टम है इसमें हर कोई अपने 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 चीज का एक्सपर्ट है, अथॉरिटी है, बैंक वालों को पता है कि आपके पास पैसा कितना है, टैक्स वालों को पता है कि आपका टैक्स कितना बनता है, एजुकेशन वालों को पता है कि आपका एजुकेशन का क्या मामला है, बिजली वाले को पता है कि बिजली का क्या मामला है, आपके मेडिकल वाले को पता है कि आपका मेडिकल का क्या मामला है, यानी कि इतने सारे खाता मैनेज हो रहे हैं। चूंकि इतने सारे खाता मैनेज हो रहे हैं और कोई भी लेन देन हो रहा है तो कई खातों में परिवर्तन करना पड़ रहा है, तो ये परिवर्तन टाइम कंज्यूमिंग भी है और चूंकि समय ज्यादा लग रहा है इस चलते ये पैसा में भी खर्चीला है, बिकॉज टाइम इज इक्वल टू मनी। कहीं पे अगर किसी काम में अगर समय लग रहा है इसका मतलब क्या है, उसमें पैसा लग रहा है। सतोशी नाकामोटो जो क्रांतिकारी विचार बताए वो क्या बोले, ये जो दुनिया भर में सब अथॉरिटी अपना अपना मैनेज कर रहा है, इसके बजाय ये जो अलग अलग बही खाते हैं, इन अलग अलग बही खाते के बजाय कोई एक बही खाता बना दिया जाए और इस एक बही खाता को सब कोई देख सकता है, इसमें कभी भी अगर कोई चीज डेटा रिकॉर्ड होगा तो सब कोई ओके कहेगा, तब रिकॉर्ड होगा, और ये बही खाता कौन मैनेज करेगा, तो कोई एक प्राधिकरण नहीं मैनेज करेगा, जिसको मन में आए वो मैनेज कर ले, मतलब कि कोई भी अपना कंप्यूटर लगा दे और ये बही खाता का सिस्टम कोई भी मैनेज कर सकता है। ब्लॉकचेन का फाउंडेशन यही है। ब्लॉकचेन में क्या है कि जो भी सूचना आप किसी एक ब्लॉकचेन में रखना चाह रहे हैं वो कोई एक संस्था, एक प्राधिकरण के पास नहीं होता है, कोई एक मैनेज नहीं करता है, बल्कि मल्टीपल खातों के जगह पे आप एकल सार्वभौमिक खाता लेके आ जाते हैं और उसी खाते का प्रति कॉपी हर किसी के पास मौजूद है, उसमें कोई चेंज होगा तो हर किसी में चेंज होगा। इसका हम व्यवहारिक, ये थोड़ा सा सोच में पेचीदा है और यही कारण है कि अधिकांश लोग ब्लॉकचेन को समझने में समझ नहीं पा रहे हैं कि इसका ट्रू पोटेंशियल क्या है। देखिए आप अपने शरीर को देखिए, आपके शरीर में डीएनए है ना, डीएनए में सारी जानकारी है, डीएनए में जानकारी है कि कोशिका अगर नष्ट होगी तो उसको रिपेयर कैसे करना है, डीएनए में जानकारी है कि ग्रोथ कैसे करना है, डीएनए में जानकारी है कि बाहर से अगर कोई अटैक किया विषाणु तो कैसे करना है, डीएनए में सारी जानकारी है। लेकिन ये डीएनए शरीर में कहाँ है, क्या ऐसा है कि ब्रेन में या कोई एक जगह पे डीएनए रखा हुआ है जो हर कोई लेकर के जाकर के इस्तेमाल करेगा? नहीं, डीएनए का पूरे बॉडी में एक ही डीएनए है, ऐसा नहीं है कि हार्ट अपना डीएनए अलग मैनेज कर रहा है, ब्रेन अपना डीएनए मैनेज कर रहा है, हमारा शरीर पहले से ब्लॉकचेन के मेथड पे काम कर रहा है। इसमें सूचना क्या है, पूरे शरीर में एक ही डीएनए है और इसकी एक एक प्रति हर सेल में विभाजित है, हर सेल के पास एक कॉपी है। इसमें ये कौन मैनेज कर रहा है, क्या बॉडी का कोई एक अंग है जो कि डीएनए को मैनेज कर रहा है? नहीं,
कोई भी अंग मैनेज कर रहा है, सभी अंग मैनेज कर रहे हैं और सबके पास कॉपी तो एक ही है। मतलब अलग अलग हार्ट हार्ट बनाने का जानकारी अलग रखिए, ब्रेन ब्रेन बनाने का जानकारी अलग रखिए, जैसा हम मौजूदा दुनिया में करते हैं। उसके बजाय क्या है, आपके पास जानकारी एक ही है और वो हर किसी के पास विस्तृत है। डीएनए में कभी कोई मॉडिफिकेशन होगा तो सारे के डीएनए में मॉडिफिकेशन हो जाएगा, मतलब कि कॉपी जो है सब में बिखर जाएगा। इससे दो फायदा हुआ। पहला फायदा क्या है, अगर आपके शरीर में एक अंग होता जिसका काम होता डीएनए मैनेज करना, तो उसका लोड उस पे है, मतलब वो एक जगह है जिसका काम है कि खाली डीएनए मैनेज करना। हमारे बॉडी में डीएनए मैनेज करने के लिए कोई अंग नहीं है, डीएनए कौन मैनेज करता है, सभी कोशिका मैनेज कर रहे हैं और ये आसानी से हो रहा है। ब्लॉकचेन में सतोशी नाकामोटो क्या बोल रहे हैं कि आप दुनिया में कहीं पे भी अगर ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना हो, मतलब कि आज ये हुआ कल ये हुआ, अगर लेन देन रिकॉर्ड करने हो, तो उसको अगर हम ब्लॉकचेन मॉडल में लेके आए तो वो ऐसा दिखता है कि बैंक केवल खाता नहीं मैनेज करे, एक कॉमन खाता हो जो सबके पास हो, उसमें कोई भी एंट्री होगा तो सबके मर्जी से होगा और उसको कोई भी चला सकता है। जैसे एग्जाम्पल एक और हम आपको देते हैं सरल करने के लिए, अगर अथॉरिटी बेस्ड मॉडल में चल रहे हैं तो आपके फी का रिकॉर्ड हम मेंटेन किए हैं, आपका टेस्ट का परफॉर्मेंस हम मेंटेन किए हुए हैं, हमारे पास आप सभी के टेस्ट का परफॉर्मेंस है, एक बही हम मेंटेन कर रहे हैं और अपने बारे में एक सिमिलर बही आप भी मेंटेन कर रहे हैं, आपके पास भी जानकारी है कि किस टेस्ट में आपका कितना हुआ, किस टेस्ट में क्या हुआ, ये आपके और मेरे बीच में है, जैसे आपके और मेरे बीच में है वैसे आपके और मेरे बीच में है वैसे उनके और मेरे बीच में है। हम यहाँ पे अथॉरिटी है जो कि आपके टेस्ट के डाटा को मैनेज कर रहे हैं, पिछले टेस्ट में आपने इतना किया था, अगले टेस्ट में इतना किया था, अगले टेस्ट में, ये अथॉरिटी बेस्ड लेजर मैनेजमेंट हुआ। अगर इसको ब्लॉकचेन में कर देते तो कैसा दिखता, एक कॉमन फाइल है, एक कॉमन डेटा है एक बही में, जो कि आप भी देख सकते हैं, आप भी देख सकते हैं, आप भी देख सकते हैं, हम सबके लेन देन उसमें रिकॉर्डेड है, यानी कि आपका टेस्ट में कितना नंबर आया था वो भी उसमें है, आपका टेस्ट में कितना आया था वो भी है, और इसकी एक एक कॉपी आप सभी के पास, हर किसी के पास एक एक कॉपी है, इसमें कोई भी एक चीज बदला जाएगा, अगले टेस्ट का मार्क्स जोड़ेंगे तो हर किसी की कॉपी बदल जाएगी। और ये कॉपी कौन मैनेज कर रहा है, पहले हम मैनेज कर रहे थे डेटा, लेकिन ये कॉपी अब हम मैनेज नहीं कर रहे हैं, आप में से कोई भी मैनेज कर सकता है, इसमें हमको चिंता नहीं है कि डुप्लीकेशन हो जाएगा, क्योंकि इतना कॉपी बिखरा हुआ है कि एक कॉपी में अगर डुप्लीकेशन भी होगा तो दूसरे के तुलना में तुरंत पता चल जाएगा कि वो वाला कॉपी डुप्लीकेट है। ब्लॉकचेन कुछ इस तरीके का मॉडल है, वो क्या बोलता है कि एक एजेंसी डेटा को नहीं मैनेज करे, बल्कि एक यूनिवर्सल लेजर लेके आ जाइए जो कि सब कोई देख सकता है और उसके अंदर क्या है, हालांकि उसमें सब कोई एंट्री नहीं चेंज कर सकता, उसमें एंट्री तब चेंज होगा जब सभी लोगों की सहमति होगी, सभी लोगों के कहेगा तो एंट्री चेंज होगा और जो भी एंट्री पड़ गया उसको मॉडिफाई नहीं किया जा सकता है, इस तरीके से एंट्री जुड़ता जाएगा। ब्लॉकचेन को समझाने के लिए हम आपको बही का उदाहरण दे रहे हैं, है ना, लेकिन इसमें थोड़ा सा हम आपको करेक्शन कर दें, एक फिजिकल बही में पन्नों की संख्या सीमित होती है, यानी कि आप कितना लिखिएगा यहाँ तक लिखिएगा, जब हम ब्लॉकचेन बोल रहे हैं तो ये कागज का बही नहीं है, ये कंप्यूटर में बनाने वाला एक डेटा का रिकॉर्ड है ना, ये एक सीमित कागज से बना हुआ रिकॉर्ड की तरह मत देखिए, देखिए कि ब्लॉकचेन ऐसा है जिसमें कि पहला डाटा आया तो एक पन्ना जुड़ा, दूसरा पार्ट आया तो नीचे से दूसरा पन्ना जुड़ा और जैसे जैसे आते जाएगा वो नीचे से अगला पन्ना जुड़ते जाएगा, जुड़ता जाएगा और ये चेन लंबा होता है। ब्लॉकचेन क्यों कहते हैं, क्योंकि हर एक पन्ना अपने आप में एक डेटा का ब्लॉक है, पहले एक डेटा ब्लॉक रहा, फिर उसके नीचे दूसरा डेटा ब्लॉक जुड़ा, फिर लेनदेन हुआ तो तीसरा डेटा ब्लॉक हुआ, चौथा लेनदेन हुआ तो, और ये इस तरीके से एक डेटा ब्लॉक के रूप में बनता जाएगा। जैसे कि ये देखिए, इस तरीके का ब्लॉकचेन दिखता है। सपोज करें कि हम आपके मौजूदा जो एकेडमिक मैनेजमेंट का सिस्टम है, अभी तक एकेडमिक मैनेजमेंट कैसे है, जब तक आप स्कूल में हैं तब तक आपका एकेडमिक रिकॉर्ड स्कूल मैनेज कर रहा है, अगर आप मैट्रिक से पहले ही स्कूल चेंज कर दिए तो क्या होगा, अब आपका मैनेजमेंट ही नहीं करेगा, अब कोई आपका दूसरा मैनेजमेंट करेगा, स्कूल से कॉलेज में चले गए तो आप वो कॉलेज मैनेज करेगा, यानी वो अथॉरिटी बेस्ड मैनेजमेंट है ना।
इस पूरे को हटा करके हम लोग एक सॉफ्टवेयर बेस्ड एक हम यूनिवर्सल लेजर ले आ रहे हैं जिसमें आपका सारा रिकॉर्ड है। ये ना तो स्कूल मैनेज कर रहा है, ना तो आपका कॉलेज मैनेज कर रहा है, ना तो कोई सरकार की एजेंसी मैनेज कर रही है, इसको कोई भी मैनेज कर सकता है। अभी हम उस सवाल में नहीं आ रहे हैं कि कोई क्यों मैनेज करेगा, अभी के लिए मान के चलिए कि लोग मैनेज करना चाहेंगे तो हमको भी मन है, हम अपना कंप्यूटर लगा दिए ये एजुकेशन वाला जो लेजर है वो मैनेज करने के लिए। आपको मन है तो आप भी अपना कंप्यूटर लगा दिए और आपके कंप्यूटर से भी वो मैनेज हो रहा है। ये इसके अंदर में ना तो स्कूल मैनेज कर रहा है, ना तो कॉलेज मैनेज कर रहा है, कुछ भी आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशन चेंज हुआ तो इसमें एंट्री आएगा, और इसमें एंट्री तब होगा जब सारे पार्टिसिपेंट ओके कहेंगे कि हाँ ठीक है, और एक बार एंट्री आके जुड़ गया तो फिर उसको बदला नहीं जा सकता है। एक बार एक साइड से डेटा ब्लॉक सिर्फ जुड़ सकता है। तो पहला डेटा ब्लॉक जुड़ा, मान लीजिए कि आप स्कूल में एंट्री लिए, आप नर्सरी में एडमिशन लिए, तो उस डेटा ब्लॉक में पहला डेटा ब्लॉक जुड़ा। अब आगे चल करके नर्सरी से मान लीजिए कि आप क्लास 6 में गए तो अगले साल का डेटा ब्लॉक जुड़ा। एक तरफ से ही डेटा ब्लॉक जुड़ सकता है और पीछे जुड़े हुए डेटा ब्लॉक में कोई छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता है। जो एक डेटा ब्लॉक पहले जुड़ गया वो जुड़ गया, उसके आगे अगला, उसके आगे अगला, उसके आगे अगला, हर बार जब आपका नया एकेडमिक क्वालिफिकेशन आते जाएगा तो उस डेटा ब्लॉक में जुड़ता जाएगा। ये कौन मैनेज कर रहा है? ना तो स्कूल मैनेज कर रहा है, ना तो कॉलेज मैनेज कर रहा है, ना तो यूनिवर्सिटी मैनेज कर रहा है। ये एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम है जिसको कोई भी मैनेज कर सकता है। आप भी अपना कंप्यूटर लगा सकते हैं, है ना, कोई भी लगा सकते हैं। सोचिए, जब तक स्कूल वाले मैनेज कर रहे थे तो आपका विलंब होता था, आपको स्कूल का सर्टिफिकेट चाहिए, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट चाहिए, तो आपको जाना पड़ेगा, वो बोलेंगे कि वहाँ पे कागज है, वैसे करके आएगा, वो कॉलेज में जाइए तो NOC निकालिए। आप समझ रहे हैं अथॉरिटी बेस में कितना है। अगर ये एक डिसेंट्रलाइज रूप से कॉमन लेजर में मैनेज हो रहा है तो कोई भी उसको सत्यापित कर सकता है, कोई भी उसको जारी कर सकता है, और कितना विलंब बचाया जाएगा। प्लस जो मैनेज करने वाला था उसको मैनेजमेंट का काम खत्म हो गया। स्कूल वाले को अब रिकॉर्ड मैनेज करने की जरूरत नहीं है, कॉलेज वाले को रिकॉर्ड मैनेज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक ब्लॉकचेन में ये कॉलेज का रिकॉर्ड मैनेज हो रहा है ना। एक दूसरा उदाहरण रखिए, भारत में भूमि का रिकॉर्ड पीछे का बहुत ज्यादा नहीं मिलता है। आप जो है सो जमीन का अगर स्वामित्व खोजने जाएंगे तो आप क्या देखेंगे, एक पीढ़ी दो पीढ़ी ये कब का खतियान इन लोग लगा रहे थे झारखंड में, 32 का खतियान लगा रहे थे ना, तो 32 और पीछे थोड़ा सा चले जाइएगा तो फिर दिक्कत होने लगेगा। क्यों? क्योंकि कागजे नहीं है, ब्रिटिश काल का समय है, कागज घुन लग गया, कोई रिकॉर्ड नहीं है। ये भारत में आजाद भारत के आज के भारत के लिए बड़ी चुनौती है कि भारत के सभी जमीन के स्वामित्व को हम ढंग से साबित नहीं कर सकते। जमीन का रिकॉर्ड कौन मैनेज कर रहा है? मौजूदा व्यवस्था में अलग अलग सरकार की इकाइयां मैनेज कर रही हैं, यानी अथॉरिटी बेस्ड मैनेजमेंट हो रहा है। ये ना करके सोचिए कि जमीन के स्वामित्व के लिए एक ब्लॉकचेन बैठाया जाए कि कोई भी जमीन का टुकड़ा जब वो बेचा जाएगा तो वो एंट्री जुड़ेगा। और इसमें क्या है कि चूंकि एक जमीन हर बार बिकेगा तो उसमें एंट्री जुड़ता जाएगा, तो आप पीछे ट्रेस कर सकते हैं कि किससे जमीन किसके पास गया, किससे किसके पास गया, और पीछे दर्ज किए हुए डाटे में कोई छेड़छाड़ संभव नहीं है। ब्लॉकचेन की जो सबसे बड़ी खूबी है कि उसमें एक बार डेटा रिकॉर्ड हो गया तो उसमें कोई छेड़छाड़ संभव नहीं है, वो डेटा फिर एकदम प्रमाणित है कि वो सही डेटा है। हम लोग आगे बात करेंगे कि उसमें भरोसा क्यों आ रहा है। सो ब्लॉकचेन कुछ इस तरीके से काम करता है ना। बेसिकली ब्लॉकचेन क्या है? एक सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की तरह देखिए, जो कि किसी तरीके के लेन देन को बही खाते में रिकॉर्ड करेगा आगे से पीछे की ओर, और एक बार जो डेटा रिकॉर्ड हो गया वो बदला नहीं जा सकता है। ये कोई एक नहीं मैनेज कर रहा है बल्कि एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, कोई भी उसमें अपना कंप्यूटर लगा देगा और वो उसके कंप्यूटर का इस्तेमाल करके बही खाता को मैनेज कर लेगा, है ना। इसकी ब्लॉकचेन की विशेषताओं पे आइए। ये जो है एक एकल सार्वभौमिक खाता के सिद्धांत पे काम करता है। इसको कोई प्राधिकरण मैनेज नहीं करता है बल्कि एक डिसेंट्रलाइज्ड विकेंद्रीकृत होता है जिसको कोई भी मैनेज कर सकता है। अभी आपके दिमाग में सवाल उठ रहा होगा कि कोई क्यों मैनेज करेगा, अभी इस सवाल को दबा करके रखिए, क्योंकि इसी के जवाब से क्रिप्टो करेंसी आने वाला है। कोई भी अपना कंप्यूटर क्यों लगाएगा? क्योंकि कंप्यूटर लगाएगा तो उसके बदले में उसको क्रिप्टो करेंसी मिलेगा, उसको लाभ होने वाला है। इस चलते कोई कंप्यूटर लगाएगा इस एजुकेशन को मैनेज करने के लिए या जमीन के रिकॉर्ड को मैनेज करने के लिए, है ना। इसमें खास बातें क्या है? इसमें एंट्री तभी जोड़ा जाएगा जब सभी
पक्षधर वाले लोग होंगे वो ओके कहेंगे, और एक बार अगर जोड़ दिया गया तो उसके बाद फिर उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं संभव है, वो पूरे तरीके से बंद हो जाएगा, है ना। इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है? ये विकेंद्रीकृत है, यानी कि ब्लॉकचेन को कौन मैनेज करता है, तो कोई एक आदमी नहीं मैनेज करता है, वो ओपन होगा, कोई भी जो है उसको मैनेज कर सकता है। दूसरा, पारदर्शिता कहाँ होगी? सोचिए कि पुरानी व्यवस्था में ज्यादा पारदर्शिता होगी या इसमें ज्यादा होगी? चूंकि सबके पास रिकॉर्ड विजुअल है, इस चलते ज्यादा पारदर्शिता इसके अंदर में होने वाली है। ये एक बार रिकॉर्ड डालने के बाद उसमें कोई छेड़छाड़ संभव नहीं है। अगर कोई एक पुराना रिकॉर्ड पड़ गया तो वो फिर प्रमाणित हो गया, उसमें कोई मॉडिफिकेशन पॉसिबल नहीं। हम लोग आगे देखेंगे कि क्यों ऐसा है। अगला, एक ब्लॉकचेन में चूंकि एक तरफा डेटा के ब्लॉक जोड़े जाते हैं, जैसे पहला डेटा ब्लॉक जोड़ा, फिर दूसरा डेटा ब्लॉक जोड़ा, फिर तीसरा डेटा ब्लॉक, और डेटा ब्लॉक सिर्फ एक साइड में ही जुड़ता है, इसका मतलब क्या है कि बैक ट्रेसिंग पॉसिबल है। इसमें अगर सपोज कीजिए कि जमीन के रिकॉर्ड्स को हम दर्ज किए हैं, तो हम बैक ट्रेस करके बता सकते हैं कि इससे पहले जमीन का मालिक कौन था, उसके पहले जमीन का मालिक कौन था, क्योंकि इसमें पीछे से बैक डेट से एक डेटा जो है वो लिखा हुआ है। इसको ब्लॉकचेन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये ब्लॉक्स का चेन बनाता है, और एक तरफा चेन ये बनाता है। इसमें जो भी डेटा होता है वो क्रिप्टोग्राफी से इनकोड किया हुआ रहता है, और इसी चलते कंप्यूटर की जरूरत पड़ती है इसमें डेटा जोड़ने के लिए। बिना कंप्यूटर लगाए आप इसमें क्रिप्टोग्राफी का डेटा नहीं जोड़ पाएंगे। और ये जो है क्रिप्टोग्राफी होने का मतलब क्या हुआ कि इसको छेड़छाड़ पॉसिबल नहीं है। हम लोग जब कंप्यूटर पढ़ेंगे तो इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन पे डीप में जाएंगे कि इंटरनेट पे सिक्योरिटी कैसे आता है। अभी के लिए समझिए कि कहीं पे क्रिप्टोग्राफी या इंक्रिप्शन है, मतलब कि तगड़ा सिक्योरिटी है, उसमें छेड़छाड़ पॉसिबल नहीं है, है ना। अगला चीज, इसमें एक कंसेंसस मैकेनिज्म होता है। चूंकि अथॉरिटी जब तक डेटा मैनेज कर रहा था, तो डेटा की सत्यता को सत्यता की जिम्मेवारी किसकी थी? अथॉरिटी की थी, अथॉरिटी बोलेगा। अब अगर अथॉरिटी नहीं मैनेज कर रहा, आप सोचिए कि आप कह रहे हैं कि एकेडमिक रिकॉर्ड अब कोई कॉलेज या सरकार की संस्था नहीं मैनेज करके कोई भी मैनेज कर सकता है, एक साइबर कैफे वाला अपना कंप्यूटर लगा के उसको मैनेज कर सकता है, तो फिर भाई क्या क्या गारंटी है कि कोई अपने से रिजल्ट में छेड़छाड़ नहीं कर सकता है? नहीं कर सकता है। कोई भी मैनेज करने के लिए अपना कंप्यूटर लगा सकता है, लेकिन उसमें कोई भी एंट्री कब तब बदलेगा? जब सारे लोग जो कि उसके सहमति के पक्ष वाले हैं सभी ओके कहेंगे। जैसे हम सपोज करें कि अब तक आपका जो टेस्ट का रिजल्ट है, अभी अथॉरिटी बेस्ड मैनेज कर रहे हैं, यानी कि हमको पता है या आपको पता है, हमको सबका पता है, आपको सिर्फ अपना पता है, अभी तक मैनेज ऐसे हो रहा है। इसके जगह पे अगर हम ब्लॉकचेन लेके आ जाए, तो एक डिजिटल लेजर, एक डिजिटल खाता हो जाएगा, जिसमें हर टेस्ट में आपके परफॉर्मेंस जो है वो दर्ज होने लगेंगे। वो हम मैनेज नहीं कर रहे हैं, कोई भी मैनेज कर रहा है और हर कोई देख सकता है ना। इसमें कोई डेटा कब होगा, कब को एक टेस्ट का मार्क्स जाएगा? जब हम भी ओके कहेंगे, आप भी ओके कहेंगे, आप भी ओके कहेंगे, आप सभी जब ओके कहेंगे, तब जाकर के वो होगा। मतलब कि ऐसे ही नहीं जोड़ा जा सकता है। एक बार एक सहमति जब बनती है, सारे लोग सहमत होते हैं कि डाटा जो जोड़ा जाना है वो सही डेटा है, तभी वो ब्लॉकचेन में जोड़ा जाएगा, वरना वो ब्लॉकचेन में नहीं जोड़ा जाएगा। ये सहमति सर्वर नहीं, जितने भी पक्षधर उसमें है। जैसे कि अगर मान लीजिए कि हम भूमि रिकॉर्ड का बना रहे हैं, तो उसमें पक्षधर एक सरकार है। सरकार को रुचि है ये जानने में कि किसका जमीन है, दूसरा बेचने वाला पक्ष जानने में रुचि है। पक्षधर कहने का मतलब क्या हुआ, जिनका भी प्रभावित हो रहा है उससे, जो भी उससे जुड़े हैं, सारे लोग ओके कहेंगे जब तक, तब तक वो एंट्री नहीं होगा। आप बेचने वाले हैं जमीन, आपका हित प्रभावित हो रहा है, आप खरीदने वाले हैं, आपका हित प्रभावित हो रहा है, सरकार का हित प्रभावित हो रहा है, इनकम टैक्स वाले का हित प्रभावित हो रहा है। तो वो हम किस तरीके का सिस्टम लगाए, अगर मान लीजिए कि हम एजुकेशन में लगाते, तो स्कूल कॉलेजेस वाले से हम पूछते प्रूफ ऑफ वर्क पूछते कि हाँ आप ओके हैं कि नहीं, आप ओके हैं कि नहीं, और सब लोग जब ओके किए तब एक एंट्री आ गया, और जब इसमें एंट्री आया तो उसके जितनी भी प्रतियां हैं सब में एंट्री आ गया, सबके पास एक वही चीज चल रहा है ना।
अब आते हैं कि मेन मुद्दा जो आप लोग के दिमाग में चल रहा होगा कि ठीक है, आप मेन बात जो आपके दिमाग में चल रहा होगा कि चलिए ठीक है, एक कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर है जो कि लेन देन को रिकॉर्ड करता है ना, तो बड़ा क्रांतिकारी क्या हुआ? कितना सॉफ्टवेयर है जो कि लेन देन को रिकॉर्ड करता है? एक्सेल है, दुकानों में सॉफ्टवेयर लगा है जो कि लेन देन को दर्ज करता है। तो लेन देन को दर्ज करने में इतना खास बात क्या है? खास बात यह है कि इसमें छेड़छाड़ संभव नहीं है। ब्लॉकचेन इंटरनेट ने कितना कुछ ठीक किया, लेकिन इंटरनेट के साथ सबसे बड़ा दिक्कत का बात क्या है? इंटरनेट पे ट्रस्ट नहीं है, यानी कि इंटरनेट पे चीजें सही नहीं है। आपको इंटरनेट पे कितने साइट मिल जाएंगे जो इस बात को साबित कर रहे हैं कि पृथ्वी चौड़ा चपटा कैसे है, गोला ना हो करके चपटा है। इंटरनेट पे से आपको मेल आता है कि नाइजेरिया के प्रिंस आपको $2 लाख भेजना चाह रहे हैं, तो कितना आप उस पर विश्वास करते हैं? इंटरनेट पे विश्वास नहीं है ना। ब्लॉकचेन एक विश्वास का तंत्र लेके आता है, यानी कि उसमें जो दर्ज जानकारी है वो कभी भी गलत नहीं हो सकता है, वो हमेशा सत्यापित है। ब्लॉकचेन की जानकारी पे कभी भी सवाल नहीं उठाया जा सकता, ये बड़ा खास बात है। अब आप कहेंगे कि एक ऐसी व्यवस्था की बात कर रहे हैं जिसमें कोई अथॉरिटी भी नहीं है जो कि मैनेज कर रहा है, कोई भी मैनेज कर सकता है, तो इसमें विश्वास कहाँ से आ रहा है? इसमें कोई भी तो उसमें छेड़छाड़ भी तो कर सकता है। असल में विश्वास के दो मॉडल हैं। आपको किसी भी चीज पे विश्वास कब होता है? तो विश्वास के दो मॉडल हैं। एक जो ट्रेडिशनल मॉडल है वो केंद्रीकृत विश्वास प्रणाली है, यानी कि आपको किसी चीज पे विश्वास क्यों होता है? क्योंकि अथॉरिटी बोल रहा है। अगर आपको बैंक वाला बोलेगा कि आपके खाता में इतना पैसा है, आपको विश्वास हो जाएगा क्योंकि वो अथॉरिटी बोल रहा है। अगर कॉलेज वाला बोलता है कि आपका इतना नंबर आया है, आपको विश्वास हो जाएगा कि अथॉरिटी बोल रहा है ना। अथॉरिटी से विश्वास आना नॉर्मल है। जो भी अथॉरिटी है, चूंकि एक जिम्मेदार आदमी है जो कि गड़बड़ करेगा तो उसकी जिम्मेवारी आ जाएगी, इस चलते हम ट्रस्ट कर रहे हैं कि वो आदमी सही बोलेगा, आरबीआई सही बोलेगा, बैंक सही बोलेगा, इनकम टैक्स वाला सही बोलेगा, आपको ट्रस्ट है उनके ऊपर। लेकिन ट्रस्ट का एक दूसरा रूप भी है जो कि बिना अथॉरिटी के भी आ सकता है। देखिए एक उदाहरण अपने दिमाग में सोचिए, ये चार पांच महिलाएं हैं जो घर में बैठ करके एक किटी पार्टी ऑर्गेनाइज करना चाहती है। पांच महिलाएं क्या, सोचिए कि 15-16 महिलाएं हैं, है ना। 15-16 महिलाएं हैं जो कि घर में बैठ करके किटी पार्टी कर रही हैं। इन लोगों ने क्या सोचा कि एक लकी ड्रॉ निकालते हैं। उसमें क्या करते हैं कि सभी महिला अपने पर्स से ₹100 जमा करेगी, और जितनी भी महिलाएं हैं उनका नाम एक चीट पेपर में मोड़ करके एक जार में डाल दिया जाएगा, और जिसका नाम निकलेगा उसको सारा पैसा मिलेगा। मान लीजिए कुछ इस तरीके का गेम हो रहा है ना। इसमें अगर संचालन के लिए एक अथॉरिटी आ जाए, मान लीजिए हम बैठ जाएं, हम बोले कि चलिए हम आप लोग का ये ऑर्गेनाइज कराएंगे, तो अथॉरिटी आ गया। अथॉरिटी का काम हो गया कि चेक करना कि डेटा सही है कि नहीं, अथॉरिटी रिकॉर्ड मैनेज कर रहा है कि सब जो है ₹100 जमा किए हैं, अथॉरिटी इस बात के लिए जिम्मेवार है कि उसमें भेदभाव नहीं होगा, मतलब निष्पक्ष होगा, चीटिंग नहीं होगा। इस व्यवस्था में आपको किस बात पे विश्वास है कि कोई एक अथॉरिटी मैनेज कर रहा है, उसमें चीटिंग नहीं होने देगा, ऐसा नहीं है कि एक का निकलेगा। लेकिन हम क्या कह रहे हैं, अधिकांश महिलाओं की इस तरीके के किटी पार्टी को देखेंगे तो वहां कोई अथॉरिटी मैनेज नहीं कर रहा होता है, लेकिन फिर भी ट्रस्ट होता है। इस तरीके के ट्रस्ट को डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रस्ट कहते हैं, विकेंद्रीकृत प्रणाली कहते हैं। अगर 17 लोग हैं, उनमें से किसी एक के खिलाफ चीटिंग क्यों नहीं होगा? क्योंकि उस एक के खिलाफ चीटिंग होने के लिए बाकी 16 को एक साइड में होना होगा, तबे ना चीटिंग होगा। अगर इतने सारे लोग हैं तो एक के खिलाफ चीटिंग क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक के खिलाफ तबे चीटिंग हो सकता है जब बाकी सब उसके अगेंस्ट में टीम बंदी कर ले, तभी ना चीटिंग हो सकता है। नहीं तो मान लीजिए कि एक के खिलाफ अगर चीटिंग हो रहा है तो कोई दूसरा प्रतिभागी देख लिया तो वो भी उसके अगेंस्ट में आवाज उठा देगा। कब पूर्णता चीटिंग हुआ? जब सारे लोग एक तरफ हो, है ना। हम आपको पॉलिटी के स्टडी मटेरियल में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपको हम उसके आर्टिकल्स पढ़ा रहे हैं। आपको कैसे विश्वास है कि हम आपको जो पढ़ा रहे हैं वो वाकई में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वैसा ही लिखा है? आपने तो असल संविधान को तो देखा भी नहीं है ना, आप तो कभी असल संविधान को देखे भी नहीं है, तो आपको कैसे ट्रस्ट है कि हमारे मटेरियल में जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात लिखी है वो सही लिखी है? आपको कैसे ट्रस्ट है कि लक्ष्मीकांत के किताब में जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में लिखा हुआ है वो सही बात है?
आपने तो रियल कॉन्स्टिट्यूशन को देखा नहीं है, आपका ट्रस्ट इस बात से नहीं आ रहा है कि लक्ष्मीकांत लिखा है या हमारे इंस्टीट्यूट का मटेरियल है, आपका ट्रस्ट इस बात से आ रहा है कि भारत में संविधान की इतनी सारी किताबें हैं कि अगर कोई एक नकली किताब आ जाएगा जो कि वो सपोज कीजिए कि मौलिक अधिकार बोलेगा कि है ये नहीं है, या फिर बोलेगा कि आर्टिकल 19 में जीवन का अधिकार है, अगर कोई एक ऑड या जाली किताब आ जाएगा तो वो अपने आप में छन जाएगा क्योंकि बाकी सारी किताबें एक तरफ बोल रही हैं, एक किताब जो है सो अलग बात बोल रहा है, तुरंत भर में डिस्टिंक्शन ड्रॉ हो जाएगा ना। तो इसमें अथॉरिटी और ट्रस्ट किस बात से आ रहा है कि इतने सारी प्रतियां हैं कि उनमें से एक प्रति अगर खराब होगी तो छांटना हमारे लिए मुश्किल नहीं होगा। अगर ब्लॉकचेन का एक एक कॉपी सबके पास है ना, आप खूब से खूब मान लीजिए कि उसमें छेड़छाड़ कीजिएगा तो अपने कॉपी में ना छेड़छाड़ कीजिएगा, जब दूसरे कॉपी से हम मिलाएंगे तो तुरंत भर में पता चल जाएगा कि कौन कॉपी जो है छेड़छाड़ किया हुआ है, क्योंकि बाकी सब कॉपी एक जैसा दिखाई पड़ेगा और जो छेड़छाड़ किया हुआ कॉपी है वो अलग जैसा दिखाई पड़ेगा। इस विकेंद्रीकृत डिसेंट्रलाइज्ड ये ब्लॉकचेन मॉडल में छेड़छाड़ दो कारण से संभव नहीं है, एक तो कि टेक्नोलॉजी छेड़छाड़ नहीं करने देता है, और दूसरा चूंकि इसका इतना प्रति घुमा हुआ है, इतना कॉपी घुमा हुआ है कि किसी एक कॉपी में छेड़छाड़ हो जाएगा तो पता करना बहुत आसान है, क्योंकि बाकी सारी प्रतियां एक तरफ होंगी, आप सारे प्रति में नहीं ना छेड़छाड़ कर पाइएगा, आप अगर छेड़छाड़ किए भी तो एक रिकॉर्ड में छेड़छाड़ कीजिएगा और वो दूसरों के साथ तुरंत वेरीफाई में पता चल जाएगा कि अरे बाकी सब कॉपी एक अलग बात बोल रहा है, इसका कॉपी अलग बात बोल रहा है, ये छेड़छाड़ किया हुआ है। इस तरीके का ट्रस्ट जो कि इस बात से आता है कि इतने सारे लोगों का हित इन्वॉल्व है, ये सारे लोग मिलेंगे तभी हमारे खिलाफ चीटिंग होगा, ये डिसेंट्रलाइज्ड ट्रस्ट कहलाता है। आपके बॉडी में हर एक डीएनए सही है, ये कैसे पता है, क्योंकि ये बाकी दूसरे डीएनए से मैच करता है, एक दूसरा डीएनए आ जाएगा जो कि किसी डीएनए से मैच नहीं करेगा तो हम तुरंत पता पाएंगे कि नहीं ये तो दूसरा डीएनए है और बाकी के बॉडी का ये डीएनए है। तो एक डिसेंट्रलाइज्ड व्यवस्था जिसमें कि प्राधिकरण नहीं भी है उसमें भी विश्वास का तत्व आ जाएगा, हालांकि ये विकेंद्रीकृत विश्वास है। आप सभी, आपको कैसे ट्रस्ट है कि भारत के चुनाव में ईमानदारी से नेता चुना जाएगा, आपको इस बात का कैसे ट्रस्ट है, है ना, क्योंकि अगर नहीं इतना सारे लोग कर रहे हैं, अगर नहीं होगा तो और दूसरे लोगों को भी पता चल जाएगा। आपका ट्रस्ट इतने सारे लोगों के कारण ट्रस्ट आ रहा है कि इतने सारे लोग का हो रहा है, अगर होगा गलत तो हमको कहीं ना कहीं से पता चल जाएगा, वरना गलती हमारे अगेंस्ट में तभी होगा जब पूरी दुनिया हमारे अगेंस्ट में एक टीम बंदी कर ले, जो कि होने वाला नहीं है, ट्रस्ट उस बात से आता है। तो ये है ब्लॉकचेन सिस्टम। नटसेल में बात करें तो ब्लॉकचेन सिस्टम कहने का मतलब क्या हुआ, हमारे पास एक प्रौद्योगिकी आधारित डेटा रिकॉर्डिंग का टेक्नोलॉजी है जिसमें कि एक डेटा के बाद दूसरा डेटा के रिकॉर्ड होता जाएगा और इसमें छेड़छाड़ संभव नहीं। अब सोचिए, बताइए कि प्राधिकरण आधारित डेटा मैनेज कर रहे हैं या फिर इस तरीके का ब्लॉकचेन डेटा मैनेज कर रहे हैं, डेटा में छेड़छाड़ होने का ज्यादा चिंता कहाँ पे है। अगर सोचिए कि पुरानी व्यवस्था में आपका डेटा कॉलेज मैनेज कर रहा है, सिर्फ कॉलेज मैनेज कर रहा है, दूसरों के पास उसका कोई प्रति नहीं है, सिर्फ कॉलेज मैनेज कर रहा है, एक उस तरीके की व्यवस्था और ऐसी व्यवस्था जिसमें कि एक डिसेंट्रलाइज प्रति हर किसी के पास है, कॉलेज नहीं मैनेज कर रहा है, असल में छेड़छाड़ की ज्यादा संभावना कहाँ पे है, कॉलेज वाले में है, क्योंकि एक पॉइंट का मैनेजमेंट है, दूसरे देख नहीं रहे हैं, वहां पे छेड़छाड़ हुआ तो वो आसानी से हो जाएगा, वो अथॉरिटी बेस्ड है, जबकि अगर सबके पास एक एक कॉपी घूम रहा है तो फिर इसमें छेड़छाड़ कम हो जाएगा, है ना। ब्लॉकचेन का मेन जो सबसे स्ट्राइकिंग हाईलाइट है वो ये है कि ब्लॉकचेन पे आप आंख बंद करके विश्वास कर सकते हैं, इसमें जो डेटा पड़ा हुआ है वो हमेशा सत्यापित डेटा है, उस पर कभी प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है। इन दो कारणों से इसमें ये आ रहा है। इंटरनेट के लिए नया चीज था, इंटरनेट पे इस तरीके का चीज पहली बार आया है कि आप एक डेटा के वेरिसिटी को ये परिभाषित कर सकते हैं कि ना डेटा एकदम सही है, उसमें बीच में कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ है। चलिए, ब्लॉकचेन क्या बातें हैं, घटक क्या होते हैं, हम लोग समझे कि डेटा को ब्लॉक्स के रूप में जोड़ा जाता है और एक ब्लॉक एक डायरेक्शन में ही जुड़ता है, दूसरे डायरेक्शन में नहीं जुड़ेगा, पहला ब्लॉक उसके बाद दूसरा ब्लॉक, तीसरा ब्लॉक, चौथा ब्लॉक, वो एक डायरेक्शन में जुड़ता जाएगा, पीछे वाले डेटा में कोई छेड़छाड़ संभव नहीं है, आप पीछे में ही जोड़ सकते हैं।
सीक्वेंस में ही जुटेगा और सिर्फ एक तरफ से जुटेगा, पीछे वाले साइड से नहीं। तो जो पुराना डेटा पड़ गया वो सोचिए कि वो पड़ गया पीछे, वो फिर बदलने वाला नहीं है एक बार जो हो गया सो। उसके बाद ये अलग अलग डेटा के ब्लॉक्स श्रृंखला चेन निर्मित करते हैं, इनफाइनाइट चेन है, जितना जोड़ते जाइए। ये ऐसा बही खाता है जिसमें नया नया डेटा आते जाएगा तो नीचे से पन्ना आकर के जुड़ता जाएगा, बड़ा होते जाएगा, वन डायमेंशनली ये ग्रो करेगा। इसमें कंप्यूटर की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि देखिए कंप्यूटर का क्या क्या काम है। इसमें हम जब बोल रहे हैं कि इतना हाई सिक्योरिटी से डेटा जोड़ा जा रहा है, प्लस डेटा वेरीफाई करके जोड़ा जा रहा है, जब सब लोग ओके कह रहा है तभी जोड़ा जा रहा है, जाहिर सी बात है ये प्रक्रिया को पूरा करने के लिए कंप्यूटर लगेगा। लेकिन ये कंप्यूटर कौन लगाएगा? इसमें कोई सेंट्रल अथॉरिटी है नहीं जिसको कंप्यूटर लगा के चलाने की जरूरत है। ये एक ओपन सिस्टम हो सकता है जिसमें कोई भी अपना कंप्यूटर लगा सकता है। साइबर कैफे वाला अपना कंप्यूटर लगा सकता है, हम अपना कंप्यूटर लगा सकते हैं, घर से आप अपना कंप्यूटर लगा सकते हैं। अगेन अभी इस सवाल में नहीं जाते हैं कि हम क्यों कंप्यूटर लगाएंगे। मान के चलिए कि हमको कंप्यूटर लगाने में लाभ होने वाला है, हम अगर कंप्यूटर उस ब्लॉक्स को तैयार करने में, वेरीफाई करने में, इन सब में अगर हम अपना कंप्यूटर लगाते हैं और मेरे कंप्यूटर का इस्तेमाल करके अगर वो सॉफ्टवेयर के ब्लॉक्स तैयार होंगे तो उसके बदले में हमको कुछ रिवार्ड मिलने जा रहा है, हमको कुछ लाभ मिलने जा रहा है ना। तो इनको नोड्स कहते हैं। नोड्स में कोई भी जोड़ सकता है। आपको पता चला कि ये वो तेलंगाना वाला भूमि रिकॉर्ड का ब्लॉकचेन चला रहा है, आप अपना कंप्यूटर आज रात में जाकर के तेलंगाना वाले से जोड़ दीजिए, वो आपके कंप्यूटर का प्रोसेसर और रैम का इस्तेमाल करेगा डेटा के बॉक्स को क्रिएट करने के लिए, जोड़ने के लिए, वेरीफाई करने के लिए। क्योंकि आखिर किसी ना किसी को तो कंप्यूटर चलाना पड़ेगा ना, अगर अथॉरिटी नहीं चला रहा है तो ये डेटा के ब्लॉक्स कहां तैयार होंगे? ये तो कोई कंप्यूटर में ही तैयार होंगे। लेकिन ये इस तरीके का दिखता है जहां पे कि अलग अलग कई लोगों के कंप्यूटर मिलकर के इस कॉमन सिस्टम को चला रहे हैं, उससे कोई भी अपना कंप्यूटर जोड़ सकता है। आप जोड़िएगा, आपके कंप्यूटर का प्रोसेसर रन करेगा, आपका बिजली का बिल लगेगा, आपका सामान चलेगा और डेटा ब्लॉक्स तैयार होता जाएगा, है ना। इसमें कंसेंसस के एल्गोरिथम होते हैं। अभी केवल नाम समझिए, एक प्रूफ ऑफ वर्क होता है, एक प्रूफ ऑफ स्टेक होता है। कंसेंसस कहने का मतलब वही कि उसमें जब भी कोई नया ब्लॉक जोड़ा जाएगा तो लोगों से पूछ करके, जो जो भी उसके हितधारक हैं उन सभी से ओके करके तब हमारे पास जोड़ा जाएगा। ब्लॉकचेन होने के लिए, ब्लॉकचेन का आइडिया जो सतोशी नाकामोटो बोल रहे हैं वो एक ओपन ब्लॉकचेन का है। ओपन ब्लॉकचेन यानी कि पब्लिक ब्लॉकचेन का आइडिया वो दिए, जिसको कि कोई भी अपना कंप्यूटर लगा सकता है और उसका कंप्यूटर का इस्तेमाल करके वो डेटा रिकॉर्ड करेगा। हालांकि जरूरी नहीं है, आप एक निजी ब्लॉकचेन भी बना सकते हैं। आगे देखेंगे RBI एक निजी ब्लॉकचेन चला रहा है जिसमें कि बाहर वाले अपना कंप्यूटर नहीं लगा सकते हैं, वो अपना कंप्यूटर लगा के अपने चला रहा है। तो कोई कहेगा कि तब ब्लॉकचेन काहे के लिए कह रहे हैं इसको, ये तो अथॉरिटी बेस्ड मॉडल है। लेकिन प्राइवेट ब्लॉकचेन भी हो सकता है या कंसोर्टियम ब्लॉकचेन हो सकता है, जिसमें हम सीमित लोगों को अपना कंप्यूटर लगाने देंगे और दूसरे लोगों को हम नहीं लगाने देंगे। कितने लोग उसमें प्रतिभागी हो सकते हैं इस आधार पर। सार्वजनिक ब्लॉकचेन होंगे तो कोई भी लगा सकते हैं। दुनिया में ढेर सारे सार्वजनिक ब्लॉकचेन हैं, आप अपना कंप्यूटर लगा सकते हैं। आप लोग अभी के समय अपना मोबाइल भी लगा देते हैं उसमें, हालांकि वो हम लोग आगे देखेंगे कि वो फायदे का सौदा नहीं है। आपका जितना खर्चा होगा उससे कम आपको बेनिफिट होने जा रहा है। आगे हम लोग बात करेंगे ब्लॉकचेन के, बिटकॉइन वगैरह के संदर्भ में। अब आप आते हैं कि चलिए ठीक है कूल, एक ऑटोमेटेड लेजर व्यवस्था है जिसमें कि नीचे से पन्ना जुड़ता जाएगा, है ना, ठीक है। इसका इस्तेमाल क्या है? और हम जो बोल रहे हैं कि ये दुनिया बदल देने वाला टेक्नोलॉजी है तो आखिर इसका कहाँ कहाँ इस्तेमाल है? देखिए, वित्तीय सेवाओं में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बैंक के लेन देन हो रहे हैं तो बैंक का है खाता मैनेज करे, उसके बजाय अगर डिसेंट्रलाइज लेजर लगा दिया जाए तो बैंक का सर्वर बिजली का खर्चा कम हो जाएगा, क्योंकि अब बैंक को मैनेज करने की जरूरत नहीं है, वो कॉमनली मैनेज हो रहा है ना। वित्तीय सेवा में मैनेज किया जा सकता है। सबसे बड़ी बात कहाँ पे मैनेज किया जा सकता है जो कुछ बहुत प्रभावी है, और हम चाहते हैं कि अगर ब्लॉकचेन पे आप सिविल सर्विसेज के एग्जाम में अगर लिखने जाएं तो इन मुद्दों को आप जानबूझकर के हाईलाइट करें, क्योंकि ये प्रशासन को प्रभावित करने वाले मुद्दे हैं।
कृषि क्षेत्र, हम लोग कृषि क्षेत्र में अभी उतरे नहीं है। कृषि क्षेत्र हम लोग दो पेपर में देखेंगे, इकोनॉमिक्स में भी देखेंगे और ज्योग्राफी में भी देखेंगे। इन दोनों को तैयार करेंगे तो हमको समझ में आएगा कि भारतीय कृषि के साथ जो चुनौती है वो एक बहुआयामी चुनौती है। उसमें एक समस्या नहीं है, 1 लाख समस्या है, और 1 लाख समस्या को 1,000 तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, कोई एक प्रॉब्लम नहीं है ना। कुछ नटसल में हम कृषि क्षेत्र की समस्या की बात करें, कृषि क्षेत्र भारत के कुल उत्पादन में 15-16% के आसपास योगदान करता है, जबकि भारत के कुल श्रम जनसंख्या का 50% उसमें काम कर रहा है। रियल सेंस में खेती का जो कृषि क्षेत्र में ज्यादा गरीबी क्यों है, उसका रियल कारण आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। सोचिए कि 50 लोग मिलकर के 15 रुपया कमाए और 35 लोग मिलकर के 50 रुपया कमाए, दोनों में समृद्धि कहाँ है? यहाँ पे ज्यादा समृद्धि है ना। तो कृषि क्षेत्र में भारत के कुल श्रम बल का 50% लोग काम कर रहे हैं, लेकिन कुल जो भारत में उत्पादन हो रहा है उसका 15% ही उत्पादन हो रहा है। मतलब भारत के आधे लोग मिलकर के सिर्फ 15% पैसा उत्पादित कर रहे हैं और बाकी लोग जो है वो सारा कर रहे हैं। तो दूसरे क्षेत्रों में अमीरी और कृषि में गरीबी का रियल कारण ये है। इसको हम लोग इकोनॉमिक्स में देखेंगे कि ये रियल चुनौती कैसी है और इसको कैसे सॉल्व करेंगे। कृषि क्षेत्र में एक और हमको प्रभाव देखने को मिलता है, जिसको छुपी हुई बेरोजगारी कहते हैं। यानी कि ये ऐसी बेरोजगारी का रूप है जिसमें कि आदमी को लगता है कि वो रोजगार में है, लेकिन कायदे से वो रोजगार में नहीं है, वो बेरोजगारी है। जैसे कि सपोज करें कि ये खेत है, इस खेत में दो मियाँ बीवी मिल करके खेती किया करते थे और इस खेत से 2 क्विंटल अनाज प्रोड्यूस होता था। लेकिन अब जो है सो इसमें दो छोटे बच्चे को भी हम काम पे लगा दिए हैं, कुल 4 लोग काम कर रहे हैं, लेकिन खेत अभी भी 2 क्विंटल ही प्रोड्यूस कर रहा है। तो आपको क्या देखने को लगेगा? देखने को लगेगा कि 4 आदमी काम कर रहे हैं, पहले 2 आदमी काम कर रहे थे, यानी रोजगार है, लेकिन असल में रोजगार नहीं है, क्योंकि 2 आदमी काम कर रहे थे तो जितना प्रोड्यूस हो रहा था, 4 आदमी काम करके भी अगर उतना ही प्रोड्यूस हो रहा है तो हम क्या कहेंगे, 2 लोगों में छुपी हुई बेरोजगारी है। वो सामने से नजर नहीं हो रहा है, लग रहा है कि सब कोई काम में लगा है, लेकिन अगर काम के साथ वैल्यू नहीं प्रोड्यूस हो रहा है तो वो छुपी हुई बेरोजगारी है। भारतीय कृषि का एक बड़ा समस्या है। भारतीय कृषि में अगला समस्या क्या है कि हमारे समाज के सामाजिक मूल्यों के कारण हर अगली पीढ़ी के साथ जमीन का बंटवारा होता आया है। तो कभी जिनके बच्चे होंगे तो जमीन तोड़ देंगे, फिर उनके बच्चे होंगे तो फिर जमीन टूटेगा। इसका असर क्या है कि भारत में बड़े बड़े जोत के स्थान पर, बड़े भूखंड के स्थान पर जमीन के बहुत छोटे छोटे टुकड़े हो गए हैं, ढेर छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया है। ये लंबे परिणाम से हुआ है। अब छोटे टुकड़े कभी भी किसी बड़े टुकड़े के बराबर उत्पादक नहीं होते हैं। छोटा टुकड़ा है तो आप मशीन नहीं ले सकते हैं, आप 2 कट्ठा 4 कट्ठा के लिए ट्रैक्टर थोड़े ले पाइएगा, बड़ा टुकड़ा है तो ट्रैक्टर ले पाइएगा, छोटा टुकड़ा है तो कई तरीके की खेती नहीं कर पाइएगा, आपके पास निवेश की क्षमता नहीं होगी। भारत में एक बड़ा प्रॉब्लम है लैंड फ्रेगमेंटेशन का, और उसी के साथ जुड़ा हुआ है भारत के कृषि में मशीनीकरण क्यों कम क्यों है, क्योंकि लोगों के पास जोत के आकार छोटे छोटे हैं, छोटे छोटे जोत वाले मशीन नहीं रख सकते। अमेरिका में सब बड़े बड़े जोत रखते हैं, इस चलते वहां पे मैकेनाइजेशन 80% 70% है, भारत में उतना मशीन करण नहीं है, हम श्रम बल से काम कर रहे हैं ना। सब मिला जुला कर जो स्थिति है वो इतनी दयनीय है कि भारत में, ये तो पुराना आंकड़ा है, 2 साल पहले का आंकड़ा है, 2 या 3 साल पहले का आंकड़ा है, ये आंकड़ा अभी के समय में दोनों डायरेक्शन में बढ़ सकता है, लेकिन जो आंकड़ा था वो 23 फार्मर सुसाइड पर डे। भारत में अगर साल भर में होने वाले फार्मर सुसाइड को 365 से अगर हम विभाजित करें तो प्रतिदिन हमको 23 से 24 आ रहा है, और ये यूजुअली आर्थिक स्ट्रेस के कारण है। वो इकोनॉमिक स्ट्रेस है कि वो नहीं कर पा रहे हैं, लोन के कर्जा में डूब जा रहे हैं, रिपे नहीं कर पा रहे हैं और उनको सुसाइड करना पड़ रहा है। कृषि क्षेत्र की चूंकि समस्या जटिल है तो इसका समाधान भी जटिल होगा। देखिए, ये समाधान के पक्ष में हम लोग एक बात करेंगे आगे चल करके कि एक पॉसिबल समाधान है जिसको हम कहते हैं सहकारी मॉडल।
सहकारी मॉडल क्या है कि गांव वाले छोटे छोटे टुकड़ों में अकेले खेती करने के बजाय सब लोग अपने चीजों को एक साथ सम्मिलित कर ले, पूरे गांव के को एक खेत बना करके सब कोई अगर मिल करके खेती करे तो उससे होने वाले लाभ को फिर से बांटा जा सकता है और ये ज्यादा लाभकारी होगा, अकेले अकेले करने के बजाय गाँव के लेवल पे कर ले। सहकारिता कृषि क्षेत्र के लिए अच्छा भी है। हम लोग सहकारिता को सक्सेसफुल होते हुए देख रहे हैं दुग्ध में। भारत में कहीं पे भी बड़े बड़े खटाल नहीं खड़े हैं कंपनियों के, जहां 5 लाख 10 लाख गाय हो और जो लीटर लीटर में दूध हो रहा हो। भारत में अधिकांश दूध का प्रोडक्शन एक सीमांत कृषक के द्वारा कृषि के बगल में किया जाता है, जिसके पास 2 गाय 4 गाय है। भारत में अधिकांश दूध इस तरीके से हो रहा होता है। इनके साथ दिक्कत क्या है, छोटा गौ वाला है, पाटन में उसका खेत है, उसका बाजार सीमित है, डाल्टनगंज बेच सकता है, गढ़वा बेच सकता है, कुछ छोटी दूरी में बेच सकता है, उसके पास पैसा नहीं है, फ्रिज नहीं है, आज बेच देगा तो बेच देगा, नहीं तो कल खराब हो जाएगा, उसके पास सीमा है। सारे गौ वाले एक साथ अगर मिल जाए तो वो एक बड़ी कंपनी का रूप ले सकते हैं, जैसा कि हम लोग अमूल उदाहरण में देखेंगे। अमूल एक ट्रेडिशनल प्रॉफिट कंपनी नहीं है, बल्कि वो एक सहकारी कंपनी है। अमूल का स्वामित्व तो किसी एक आदमी के पास नहीं है, गुजरात के किसानों के पास है, और गुजरात के किसानों ने मिलकर के एक कॉमन स्वामित्व का सहकारिता में एक अमूल जैसा कंपनी बना दिया। अब अगर छोटे छोटे थे, कमजोर थे, जुड़ गए तो कितना बड़ा हो गए। लंदन एयरपोर्ट पे भी आपको अमूल का छाछ और लस्सी जो है वो मिल जाएगा। ये कोई कंपनी, कोई अमीर के मालिक नहीं है, ये ऐसा है। भारत में किसी भी शहर में अगर आप पैकेज दूध बेचते हुए देख रहे हैं तो वो सहकारिता का परिणाम है। कोई एक आदमी के द्वारा कंपनी नहीं चलाया जा रहा है, बल्कि अलग अलग गौ वाले मिल करके एक संस्था खड़ा कर रहे हैं जो कि काम कर रहे हैं। सहकारिता कृषि में बहुत काम करता है। दक्षिण भारत में चीनी का उद्योग बड़ा तेजी से बढ़ रहा है। क्यों? उत्तर भारत में क्या देखिएगा कि गन्ना का किसान अपना अलग काम कर रहा है, वो खेत से गन्ना काटा, उसके बाद बाजार में कस्टमर खोज रहा है कि कौन खरीदेगा, तब तक गन्ना खेत में पड़ा रह गया तो उसका चीनी का मात्रा कम हो गया, कटने के बाद गन्ना में से तुरंत भर में चीनी उड़ना चालू हो जाता है। आप जितना जल्दी उससे रस निकाल पाइए उतना ज्यादा शुगर बना पाइएगा, वरना कटने के बाद हर बीतता घंटा उसके अंदर सुक्रोज की मात्रा कम होते जाता है। नॉर्थ इंडिया में चीनी का मिल बंद हो रहा है, उसके पीछे कारण ये। यहाँ पे किसान अलग है, फैक्ट्री वाले अलग हैं, इनके बीच में कोई सहकारिता नहीं। साउथ में चेन्नई वाले इलाके में चीनी का उद्योग अभी के समय पीक इस चलते कर रहा है कि सहकारिता है, मतलब कि कृषक को क्या बाकी सबके साथ पुराना डील किया हुआ है। कृषक खट से काटेगा, तुरंत भर में वो लोड होगा, तुरंत वो एक फैक्ट्री में पहुंच जाएगा, तुरंत जूस होगा। सारे लोग पहले से ही मिल करके खेती करते हैं, सब कोई का एक दूसरे के साथ पहले से अनुबंध है, और ये सहकारी कृषि कहा जाता है ना। गांव में छोटा जमीन है, आप ट्रैक्टर नहीं खरीद सकते हैं, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, गांव के सारे लोग मिलकर के तो एक ट्रैक्टर खरीद सकते हैं, एक कॉमन स्वामित्व का हो सकता है। हमारा खेत भी जुते, आपका खेत भी जुते, आइडिया तो बहुत अच्छा है कि सबका ताकत मिला दे, लेकिन कृषि के संदर्भ में हम क्यों नहीं कर पाए। हम दूध के में सहकारिता को बहुत सक्सेसफुल लगा दिए, लेकिन कृषि में नहीं कर पाए। कृषि में हम क्या है कि क्या कहें कि पूरे गांव को एक इकाई के रूप में काम करवाएं, सब कोई जो है सो मिला दे अपने सभी संसाधन, जिसके पास ज्यादा जमीन है उसको लाभ में ज्यादा मिलेगा, लेकिन सब कोई अपना जमीन मिला दे और सब कोई अपना बल मिला दे, अपना पैसा मिला दे, तो एक बड़े पैमाने पर खेती की जा सकती है, और उससे जब लाभ निकलेगा तो जिसने जितना मिलाया है उसको उसके अनुपात में दे दिया जाएगा, एक अच्छी खेती का मॉडल बनाया जा सकता है। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है, इसमें दिक्कत है कि कैलकुलेशन बहुत जटिल हो जाएगा। सोचिए कि हम पूरे गांव मिलकर के एक कॉम्प्लेक्स खेती कर रहे हैं, उसमें आपके पास 1.25 कट्ठा जमीन था, आपके पास 4 एकड़ जमीन था, हमारे पास 10 कट्ठा जमीन था, आपके पास 12 एकड़ जमीन था, सब लोगों ने अपने अलग अलग मात्रा के जमीन लगाए हैं। हमारे घर के 2 लोगों ने काम किया, आपके घर के 1 लोग ने काम किया, आपके घर का कोई आदमी काम करने नहीं आया, हमारे खेत
खेत में ट्रैक्टर 4 घंटा चला, आपके खेत में ट्रैक्टर 1 घंटा चला, आपके खेत में ट्रैक्टर आधा घंटा चला, आपने ट्रैक्टर में 20 लीटर तेल डलवाया, आपने नहीं डलवाया, हमने नहीं डलवाया, यानी कि ये कैलकुलेशन इतना जटिल है, इतना कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन है कि लास्ट में हम ये सही तरीके से कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं कि किसने कितना लगाया और लाभ में से उसको कितना मिलना चाहिए। अगर हम ये कर पाते तो काम हो जाता। सहकारिता में यही बाधा थी। आगे आप ब्लॉकचेन, ब्लॉकचेन की खूबी क्या है? कैलकुलेशन, वो तो कंप्यूटर है, कंप्यूटर के लिए कैलकुलेशन करना क्या दिक्कत है? वो तेजी से फास्ट स्पीड में सारे ट्रांजेक्शन्स को दर्ज करेगा। हम सभी गांव वाले मिलकर के खेती करें और सभी के सभी इनपुट, आज के दिन हमारे घर से 2 लोग काम किए, 8 घंटा एंट्री हो गया, आपके तरफ से 2 लाख रुपया इसमें इन्वेस्ट किया गया वो एंट्री हो गया, आपके तरफ से इतना ट्रैक्टर का इस्तेमाल किया गया वो एंट्री हो गया, और पूरा सिस्टम लास्ट के इन में खड़ा होकर के टोटल प्रॉफिट में से शेयर बता देगा, आपका इतना बनता है, आपका इतना बनता है, आपका इतना बनता है, बेस्ड ऑन वेरिएबल इनपुट, आपने जो अलग अलग चीजें लगाई उसके आधार पर फाइनल में से आपको ये मिलता है। ब्लॉकचेन एक वैसे विचार को प्रभावी बना सकता है जो कि विचार बहुत पुराना है कि सब जगह सहकारिता कर दे रहे हैं, गांव को पूरा मिल करके सब लोग कोऑपरेट करके एक साथ काहे नहीं कर ले, लेकिन उसमें जो जटिलता थी वो गणना की जटिलता थी, ब्लॉकचेन ये दूर कर देगा। आप अभी के समय में आनंद महिंद्रा के कंपनी को काम करते देखिएगा, उन लोग जो है सो ट्रैक्टर का ओला और उबर बनाने का प्रयास कर रहा है कि गांव के लेवल पे ट्रैक्टर हो सकता है जिसमें कि हर कोई उसका इस्तेमाल करे और अपने इस्तेमाल के आधार पे ब्लॉकचेन सिस्टम उसमें लागत और चीजें जो है वो कैलकुलेशन करके बता देगा। एक छोटा किसान एक अकेला ट्रैक्टर नहीं खरीद सकता है, पूरा गाँव मिलकर के एक ट्रैक्टर खरीद सकता है, उसमें लागत और इस्तेमाल के आधार पे अलग अलग लोगों का कैलकुलेशन किया जा सकता है, ये मशीनीकरण को बढ़ावा देगा। सिर्फ इतना ही नहीं, आप देखिए कि जमीन के रिकॉर्ड, हम लोग इसको तो उदाहरण में ही इस्तेमाल किए, ब्लॉकचेन का इस्तेमाल किया जा सकता है जमीन के खरीद बिक्री के रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए कि एक जमीन कहां से आया, उससे पहले किसके पास था, हर बार जब जमीन बेचा जाएगा तो ब्लॉकचेन में आ जाएगा, और ब्लॉकचेन एक सत्यापित व्यवस्था है, यानी कि उसमें जो डाटा है उसको लेकर के हमको क्वेश्चन नहीं उठने जा रहा है कि वो डाटा सही है कि गलत है। एक लैंड का रिकॉर्ड मैनेज किया जा सकता है, बल्कि आंध्र प्रदेश पहले से कर रहा है, आंध्र प्रदेश लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन पे अभी ब्लॉकचेन का इस्तेमाल कर रहा है, मतलब सरकारी संस्था नहीं मैनेज कर रही है, एक कंप्यूटर ब्लॉकचेन बनाए हुए हैं और उसमें कोई भी अपना कंप्यूटर लगा सकता है और वो आंध्र प्रदेश के जमीन के रिकॉर्ड को मैनेज किया जा रहा है उस सॉफ्टवेयर सिस्टम में, है ना। तो कृषि में ब्लॉकचेन का क्या इस्तेमाल है? ये सहकारी कृषि के विचार को संभव बना सकता है जो कि अब तक जटिलता के कारण नहीं हो पाया था, वो ये अलग कर देगा, है ना। उसके बाद कोई छोटे छोटे इस्तेमाल है सप्लाई चेन के प्रबंधन के लिए, यानी कि आप अगर मान लीजिए कि हॉस्पिटल वाले हैं तो आपका कुछ दवाई यहाँ से आता है, कुछ हॉस्पिटल का सामान वहाँ से आता है, कुछ चीज वहाँ से आता है, ब्लॉकचेन में अगर आप मैनेज कीजिएगा तो नॉर्मल मैनेजमेंट से सस्ता भी पड़ेगा, फास्ट भी पड़ेगा। नहीं तो नॉर्मल मैनेजमेंट में एक हॉस्पिटल में सामान आया, देखिए कि कितना खाता बदला, हॉस्पिटल वाला जो रिसीव किया वो बोलेगा इतना आइटम रिसीव किए, जो भेजा वो अपने यहाँ रखा होगा कि हम इतना आइटम रिसीव किए, बीच में जो ट्रांसपोर्ट कर रहा होगा वो अपना खाता मेंटेन कर रहा होगा कि इतना सामान ट्रांसपोर्ट किए, उन सब की जगह एकल खाता सिस्टम लगाया जा सकता है। स्वास्थ्य सेवाओं में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या है? ब्लॉकचेन में हम प्रोग्राम कर सकते हैं एग्जीक्यूशन का, जैसे आगे क्या देखने जा रहे हैं कि हमारे पास डिजिटल चीजों के साथ दिक्कत क्या है कि उसका नकल किया जा सकता है। आपको एक फोटो देवे जेपीजी फॉर्मेट में या डिजिटल फोटो दे तो आप उसको कॉपी करके दूसरा कॉपी बना सकते हैं, ना। लेकिन अगर मान लीजिए कि अगर हम एक फोटो को उसका डाटा ब्लॉकचेन के साथ जोड़ दें तो इसका कोई कॉपी भी बनाया जाए तो एक ओरिजिनल फोटो का पहचान किया जा सकता है कि कौन ओरिजिनल फोटो है। डिजिटल आर्ट को बेचा खरीदा जा सकता है रियल आर्ट की तरह, इसमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट मतलब कहने का मतलब है कि जैसे जमीन में लगाए हैं तो जमीन अगर हमारे से आपको बेच दिया गया तो वो अंदर में एग्जीक्यूट कर देगा कि अब जमीन के नए ओनर के रूप में आप हैं।
वो रिकॉर्ड दिखाएगा कि जमीन अभी किसके पास है, आपके पास है, पिछला सेल से ये निकल गया है ना। स्वास्थ्य सेवा में इतना सारा डेटा मैनेज होता है, वहां लगा सकते हैं। भारत के वोटर का डेटा काहे इलेक्शन कमीशन अकेले मैनेज करे, उसी के पास खाली काहे रहे, वो पूरे भारत में उसको मैनेज किया जा सकता है। प्रशासन में भूमि रिकॉर्ड के आधुनिकरण पे बात हुआ। अगला एक महत्वपूर्ण बिंदु पे आते हैं जो बड़ा बिंदु है, ग्रामीण विद्युतीकरण। हालांकि जब हम लोग वित्त आयोग पढ़ रहे थे तो वित्त आयोग के दौरान में भी हम लोगों ने ग्रामीण विद्युतीकरण की समस्या को देखा था। हम मंगल पे यान भेज दिए लेकिन भारत में कई गांव हैं जहां पे अब तक हम लोग बिजली का लाइन नहीं खींच पाए। मतलब ये तो देखने को लगेगा कि क्या हो रहा है, आपके पास टेक्नोलॉजी है मंगल भेजने का और आपके पास गांव में बिजली नहीं मिल पा रहा है। लेकिन असल में समस्या उससे जटिल है। समस्या क्या जटिल है, क्योंकि भारत में विद्युत का भी जो हम लोग तरीका अपनाते हैं वो बड़ा केंद्रीकृत तरीका है। उसमें प्रोड्यूसर बड़ी कंपनी है जो कि प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूसर से डिस्कॉम खरीदता है, डिस्कॉम जो है वो एक शहर के किनारे में एक ग्रिड बैठाता है और इस ग्रिड से फिर निकाल करके शहर के कस्टमर को ये दे रहा है। यानी एक जगह प्रोड्यूस हो रहा है और कई लोग कंज्यूम कर रहे हैं, एक केंद्रीकृत रवैया है भारत में विद्युत इसका। इसमें दिक्कत क्या है कि शहर में बिजली प्रोवाइड करना दिक्कत नहीं है, एक जब बड़े दूरी पे जब तार जा रही है तो वो तो हाई वोल्टेज का तार जा रहा है वो तो आप लेके जा सकते हैं, लेकिन अगर कस्टमर को देना पड़ेगा तो उसको आपको एक ग्रिड बैठा करके स्टेप डाउन करके घरेलू प्रयोग के लिए बना करके तब देना पड़ेगा। शहर में 10,000-20,000 कस्टमर है तो उनके लिए बगल में ग्रिड बैठाया जा सकता है, ग्रिड बैठाए 10,000 कस्टमर को प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन सोचिए कि 70 किलोमीटर दूर एक गांव है जिसमें कि चार घर है, इस चार घर के लिए तो ग्रिड नहीं ना बैठाया जा सकता है। अब अगर आप शहर से ट्रांसपोर्ट करके लेके जाइए अगर वो वाला चीज, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज्यादा हो जाएगा। यानी कि रियल जो ग्रामीण विद्युतीकरण की समस्या है वो ये नहीं है कि बिजली हम उन तक पहुंचा नहीं सकते, ये है कि शहर में बिजली पहुंचाना असस्ता पड़ जाता है और ऐसे जगह पे पहुंचाना महंगा पड़ जाता है। और आप गांव वालों से महंगा तो चार्ज कर नहीं सकते हैं, वो एक थोड़ा सा समाजवाद वाला नजरिया भी हमारे पास आ जाएगा। रियल विद्युतीकरण की ये समस्या है। अगर हम सतोशी नाकामोटो जो आइडिया दे रहे हैं उनके नजर से देखें तो फिर ये ऐसा केंद्रीकृत तरीका होने की आवश्यकता ही क्या है कि एक उत्पादन करेगा, एक वितरण करेगा और सभी खपत करेंगे। इसके बजाय ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं कि जिसको खपत करना है वो खुद से उत्पादन भी करे। भारत में विद्युत उत्पादन केंद्रीकृत रूप से क्यों हो, जहां पे चार बड़ी कंपनियां विद्युत प्रोड्यूस कर रहे हैं, भारत में विद्युत उत्पादन विकेंद्रीकृत हो सकता है। हर किसी के घर के ऊपर सोलर प्लेट लगा हुआ है, गांव वाले इलाके में लगा है और वहां पे विद्युत प्रोड्यूस किया जा सकता है। ग्रामीण विद्युतीकरण का जो रियल समाधान है वो ये है कि आपको वहीं पे ऊर्जा पैदा करनी होगी जहां पे ऊर्जा की खपत है, वरना आप ट्रांसपोर्ट करके सोचिएगा कि गांव तक दे देंगे। इसी चलते आप आज तक भारत के गांव में बिजली नहीं पहुंचा पा रहे हैं। आपको सोच बदलने की जरूरत है। अब सोचिए ब्लॉकचेन कितनी संभावनाएं खोल देता है। एक ऐसा गांव विजुलाइज कीजिए जिसमें कि हर किसी के घर के ऊपर सोलर प्लेट लगा हुआ है, गांव में उनके खेतों के मेड़ पे ये विंड पैनल लगा हुआ है और ये बिजली प्रोड्यूस कर रहे हैं। हर घर डेली बिजली प्रोड्यूस कर रहा है, डेली खपत कर रहा है और पूरे गांव में एक ब्लॉकचेन व्यवस्था लगी है जो कि हर चीज को रिकॉर्ड कर रहा है। वो रिकॉर्ड कर रहा है कि आज आपके घर ने कितना बिजली प्रोड्यूस किया, कितना कंज्यूम किया। अगर आप ज्यादा प्रोड्यूस किए, कम कंज्यूम किए तो आपका घर दूसरे घर से जुड़ा है, दूसरा घर आपसे बिजली खरीद भी सकता है। वो खरीद के चला गया, वो आपका रिकॉर्ड आ गया कि आपके घर से इसके घर में इतना ट्रांसफर हुआ है, एक सरप्लस से दूसरे के बीच में और एक पूरे गांव का एक जुड़ा हुआ इलेक्ट्रिकल सिस्टम डिजाइन किया जा सकता है जो कि ब्लॉकचेन पे काम करेगा। अब तक जटिलता क्या थी कि इतने तेज ट्रांजेक्शन को कैसे रिकॉर्ड कीजिएगा कि दिन में कितना उत्पादन हुआ है, घर कितना कंज्यूम किया है, किस घर को कितना दिए। सॉफ्टवेयर के लेवल पे ये कोई दिक्कत नहीं है, ब्लॉकचेन लगा दीजिए, वो तेज गति के लेन देन को रिकॉर्ड करेगा। आज आपने 100 यूनिट प्रोड्यूस किया, 150 उसमें से 50 यूनिट आपने खर्चा किया, 50 यूनिट आपसे वो खरीद लिए, उनका जो है सो आपका बनता है, लास्ट में जो है लेन देन का सिस्टम बन जाएगा।
सोचिए कि इस व्यवस्था में ऐसा संभव है कि आज जिन गांवों को हम बोझ के रूप में देख रहे हैं कि उन तक बिजली कैसे पहुंचाएं, अगर हम विकेंद्रीकृत उत्पादन करने लगेंगे तो ये गांव वो जगह हो सकते हैं जो कि शहरों को बिजली प्रोवाइड करेंगे। यानी कि उल्टी कहानी आ सकती है, उनके पास क्षेत्र का कमी नहीं है, शहर के पास क्षेत्र का कमी है, उनके पास एक बड़ा एडवांटेज है जो कि आपके पास नहीं है। आप कितना सोलर पैनल लगा सकते हैं? एक किसान से कई गुना कम ही लगा सकते हैं। किसान के पास हमेशा ज्यादा क्षेत्र है, वो ज्यादा ये कर सकता है। तो एक ग्रामीण विद्युतीकरण की समस्या भी देखिए आप ब्लॉकचेन के द्वारा सॉल्व कर सकते हैं, अगर इस तरीके का टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन ले आए। अगर देहात में बिजली वाले बचेगा तो 20% वो शहर वालों को बचेगा। बेचा जा सकता है, बिल्कुल। तो वहां से एक जो अब तक हम बोझ के रूप में देख रहे हैं, और ये सतोशी नाकामोटो को जो हम कहें कि वो एकदम विचार बदलने वाला बात बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि आप ऐसा सोचिए, कह रहे हैं कि एक एक वो प्रोड्यूस करेगा वो सब खाएगा, एक कमाएगा सब खाएगा, उसके बजाय सब कमाए सब खाए, कुछ इस तरीके का एक विकेंद्रीकृत रूप को प्रस्तुत कर रहे हैं कि सेंट्रलाइज वाला रूप छोड़िए, उसके जगह पे ये लेके आए। ब्लॉकचेन की फायदा ये है। सामूहिक कृषि के बारे में हम लोग बात कर दिए, ब्लॉकचेन के द्वारा सामूहिक कृषि संभव है। ब्लॉकचेन के बिना सामूहिक कृषि क्यों नहीं संभव है? क्योंकि कैलकुलेशन जटिल हो जाएगा, है ना? कितना कैलकुलेशन कीजिएगा, कागज कलम में मुनीम जी कितना काम करेंगे, है ना? जबकि ब्लॉकचेन सत्यापित करता है इसमें छेड़छाड़ भी होना पॉसिबल नहीं है। हम लोग साबित कर चुके हैं इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रस्ट है, इसमें इंक्रिप्शन है, इसमें ब्लॉक का सिस्टम है, इसमें डाटा वेरीफाइबल है। सरकार के सब्सिडीज वगैरह के मामले ज्यादा पारदर्शिता आ जाएगी। गवर्नमेंट जो सब्सिडी दे रहा है वो रिकॉर्ड को मैनेज करने के लिए आप ब्लॉकचेन का इस्तेमाल कीजिए। प्रॉपर्टी का लेन देन, जमीन कौन खरीदा, किसके पास बिका, वो अगर किसी ब्लॉकचेन में रिकॉर्ड हो तो वो बेहतर हो जाएगा। प्रमाण पत्र का सत्यापन, अगर मान लीजिए कि आपके पास एक डिजिटल भी एक प्रमाण पत्र है तो उसका आप नॉर्मल सत्यापन कॉलेज भेज के करते हैं, अगर एक ब्लॉकचेन के अंदर में उसका सत्यापन पड़ा है तो आपको कॉलेज से वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है, ब्लॉकचेन में डेटा है मतलब सही डेटा है, क्योंकि उसमें तो सत्यापन का ये जरूरत नहीं है। अभी जो यूज कर रहा हूँ ब्लॉक चेन नहीं है सर, कौन? जो ब्लॉक नहीं, वो ब्लॉक को ब्लॉकचेन से बिल्कुल नहीं समझे। ब्लॉकचेन एक कंप्यूटर है, उसका ब्लॉक से कोई लेना देना नहीं है, वो ब्लॉक दूसरा ब्लॉक है, वो प्रखंड दूसरा बात है, वो उसका यहाँ से कोई लेना देना नहीं है। इसको ब्लॉक इस चलते कह रहे हैं क्योंकि इसमें डेटा के टुकड़े होते हैं, डेटा के ब्लॉक होते हैं, एक डेटा का टुकड़ा, उसके बाद दूसरा डेटा का ब्लॉक, फिर तीसरा डेटा का ब्लॉक, ये एक तरफा जुड़ता जाता है ना। ब्लॉकचेन का देखिए जो एक नया इस्तेमाल आया है जो करेंट अफेयर्स में है जो है वो है नॉन फंजिबल टोकन। देखिए समस्या प्यासे, हम एमएफ हुसैन ने एक पेंटिंग बनाई या फिर पिकासो ने एक पेंटिंग बनाई, वो पेंटिंग अरबों अरब में बिक रहा है ना। उस पेंटिंग का डुप्लीकेशन लोग कोई जेरोक्स करवा करके बाजार में बेच सकता है, लेकिन वो नहीं बिकेगा क्योंकि ओरिजिनल पेंटिंग की पहचान हो जाएगी, है ना, कि आपका ये ओरिजिनल है, वो डुप्लीकेट है। एक पिकासो का पेंटिंग क्यों बिक पा रहा है? क्योंकि एक ही है, अगर वैसे वैसी कई प्रतियां अगर पिकासो के पेंटिंग की होती तो उसका वैल्यू नहीं होता, वो एक है इस चलते वैल्यू है ना। पहले के हाथ के और ये करने वाले कलाकारों के पास ये सुरक्षा है कि उनका ओरिजिनल काम अलग दिख जाता है, डुप्लीकेट काम अलग दिख जाएगा, उसमें सत्यापन करना आसान है। लेकिन डिजिटल आर्टिस्ट जो कि कंप्यूटर पे डिजाइनिंग करते हैं, जो कंप्यूटर पे चीजों को बनाते हैं, इनके इनके पेंटिंग्स को बेच पाना संभव नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर में कंट्रोल सी कंट्रोल भी कॉपी कर दीजिए, एक से मल्टीपल कॉपी हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आप दिक्कत अब तक क्या था कि हम कई बता नहीं सकते हैं कि कौन ओरिजिनल फोटो है कौन डुप्लीकेट फोटो है। आपको हम ट्रेडिशनली एगो पांच एक ही फोटो का पांच कॉपी अगर दिखा दें, आप नहीं बता पाइएगा कि ओरिजिनल कौन है और उससे कौन निकला है। कब तक? जब तक ब्लॉकचेन नहीं था। ब्लॉकचेन आया तो अब किसी डिजिटल प्रोडक्ट को भी ओरिजिनल सत्यापन पॉसिबल है। सिर्फ एक इमेज रहेगा जिसका ब्लॉकचेन में एंट्री है, बाकी उसका जितना भी नकल बनाया जाएगा ब्लॉकचेन में तो उसका एंट्री नहीं होने वाला है, उसका नकल भरे बना लीजिएगा लेकिन वो ओरिजिनल अलग पता चल जाएगा।
इसी आइडिया के ऊपर नॉन फंजिबल टोकन बनाया गया। ये डिजिटल आर्ट के लिए है, यानी कि कोई एक डिजिटल आर्ट जो कि कंप्यूटर में बैठा हुआ है उसको अगर ब्लॉकचेन में एंट्री डाल दिए तो अब पता चल जाएगा कि अच्छा ये ओरिजिनल डिजिटल आर्ट है। जैसे हम आपके लिए एक लोगो डिजाइन किए और उस लोगो का हम रिकॉर्ड उसमें लोगो हमने अब आप इस लोगो का कोई कॉपी भी कर ले तो ब्लॉकचेन में तो आप ही का नाम लिखा हुआ है, यानी कि रियल मालिक कौन है, आप हैं। किसी का भी कितना भी कॉपी हो जाए बाकी नकल अलग दिख जाएगा, ओरिजिनल अलग दिख जाएगा, क्योंकि ओरिजिनल का अधिकार तो सिर्फ आपके पास है, हम बनाए हैं और आपको दिए। इनको NFTs कहा जाता है। NFTs एक डिजिटल एसेट है, मतलब कि एक डिजिटल चीज है, चाहे वो किताब भी हो सकती है, कॉपी भी हो सकता है, कोड भी हो सकता है, जिसका सिर्फ एक ब्लॉकचेन में एंट्री डाला हुआ है। वो सिर्फ जब एक ओरिजिनल आदमी जब दूसरे को बेचेगा तब एंट्री चेंज होगा, वरना कोई डुप्लीकेट है उसका कोई ब्लॉकचेन में एंट्री नहीं है। तो आपको अगर हम एक डिजिटल फाइल देकर के उसका ब्लॉकचेन दिखा दिए तो भी आप सत्यापित हो जाएगा कि हाँ ये ओरिजिनल फाइल है और बाकी ओरिजिनल फाइल नहीं है। इन्हीं को NFT कहा जाता है ना। NFT डिजिटल फाइल्स को हमने ये किया है। ये जो है सो 2015 से NFT आना चालू करेगा। हमारे पास टेरी न्यूलियस नाम करके आदमी होंगे, उन्होंने एथेरियम के ब्लॉकचेन का इस्तेमाल किया और उन्होंने उसके आधार पर कुछ डिजिटल एसेट्स बना करके बेचना चालू किया है ना। ये है NFT। NFTs डिजिटल चीजों को प्रमाणित कर पाएगा। आप सोचिए कि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस का डिजिटल कॉपी अब तक कोई देखने से काहे मना कर सकता है, कब बोलेगा कि नकल हुआ है, हो सकता है कोई छेड़छाड़ कर दिया है ना। लेकिन अगर एक ऐसा डिजिटल कॉपी हो जो कि ब्लॉकचेन में, जिसके बारे में डिटेल पड़ा है, जो ब्लॉकचेन का एंट्री रखता है, उसके बारे में आप निश्चिंत हो सकते हैं कि ये डिजिटल लेकिन ओरिजिनल है। आप डिजिटल में भी ओरिजिनल और नकल बता पाएंगे। NFTs अच्छी चीज है, लेकिन अभी बाजार में NFT को लेकर के बेवकूफियां चल रही हैं। बेवकूफियां क्या चल रही हैं कि लोगों को लग रहा है कि NFTs क्रांतिकारी चीज है। हाँ वाकई में क्रांतिकारी चीज है, लेकिन कुछ भी NFT बन रहा है तो लोग खरीदने निकल जा रहे हैं क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि है क्या चीज। सब कोई सुन रहा है NFT बहुत बढ़िया और हमारे जैसे लोग बड़ाई भी कर देंगे कि हाँ ये सिस्टम बहुत अच्छा है, लेकिन समझे कि हम सिस्टम की बात कर रहे हैं, हम किसी एक चीज का इस बात नहीं कर रहे। NFT का आइडिया हुआ कि एक डिजिटल एसेट को आप ऑथेंटिक बता सकते हैं। अब यही हम एक पेंटिंग बनाते हैं, ये मेरा पेंटिंग है ना, ये मेरा पेंटिंग है, ये एक पेंटिंग बना दिए और ये तो ओरिजिनल पेंटिंग है, इसी को NFT में बना दिए तो ये NFT भी हो गया, यानी कि इसका प्रामाणिकता भी सही हो गया कि ये है। लेकिन क्या इसका वैल्यू है? वैल्यू पेंटिंग के आधार पे आना चाहिए, न कि इस बात पे कि वो NFT है कि नहीं। अगर ये यही पेंटिंग हमारे बजाय MF हुसैन बनाए होते तो उसका NFT होने के बाद उसका वैल्यू होता कि हाँ ये ओरिजिनल MF हुसैन का पेंटिंग है। ओरिजिनल अनूप पांडे का पेंटिंग बेचने जाइएगा तो कोई नहीं खरीदेगा। तो लोग खाली NFT सोच करके खरीदने चल रहे हैं और बाजार में उलूल जुलूल आर्ट आ गया है। कोनो प्रेसिडेंट ट्रंप जो कि अभी US में चुनाव में लड़ रहे हैं, उन्होंने अपने कुछ NFT कार्ड जारी किए थे, पोकेमोन और ये सब का, जो कि डिजिटल कार्ड है। कार्ड कहने का मतलब है कि उसमें कार्टून कैरेक्टर बना हुआ है और वो NFT है, मतलब कि वो एक ही है। लोग क्यों खरीद रहे हैं? क्योंकि दुनिया में इसका कोई दूसरा नकल नहीं है, एक ही ओरिजिनल है, उसको बेचा जा सकता है। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप के बनाए हुए चीज, हमारे बनाए हुए चीज, मोनालिजा के बनाए हुए चीज एक नहीं हो सकते। NFT का होना सत्यापन का तरीका है, बाकी वैल्यू तो होना चाहिए। कई लोग उलूल जुलूल का आर्ट खरीद रहे हैं, कोई भी NFT, और इसमें बेवकूफ बनाना भी आसान है। NFT तो कायदे से देखिए तो आप बना सकते हैं, कुछ छेच दिए, ओरिजिनल इमेज बना दिए, उसको ब्लॉकचेन में रजिस्टर कर दिए, हो गया NFT। लेकिन खाली रजिस्टर करने से उसका वैल्यू नहीं आता है ना। अगर आप पेंटर हैं, वाकई में अच्छा पेंटिंग बनाए हैं, तब तो उसका मूल्य होना चाहिए। एक NFT होते हुए भी अगर खराब पेंटर का बनाया हुआ NFT है तो उसका क्या मतलब है? तो एक ये चीज है अभी के समय में। NFT को नॉन फंजिबल टोकन क्यों कहते हैं? फंजिबिलिटी हम लोग क्या डिफाइन किए थे, एक से दूसरे को बदल देंगे और कोई मूल्य का ह्रास नहीं होगा तो फंजिबल है। आपके पॉकेट में पड़े नोट फंजिबल है, आपके 100 रुपए को हटा करके दूसरा 100 रुपया रख दे, आपको दिक्कत नहीं होगा।
ये फंजिबल नहीं है, नॉन फंजिबल है। नॉन फंजिबल मतलब ये जो है वो वही है, इनको दूसरे से बदला नहीं जा सकता है, ये जो है वो सिर्फ ओरिजिनल ही रहेंगे, इनको दूसरे से बदल दीजिएगा तो वैल्यू चला जाना है, इसमें ओरिजिनलिटी का है, नॉन फंजिबल इनको इस चलते बोलते हैं। इनमें भाज्यता नहीं आएगी, विभाज्य नहीं है, ये एक NFT एक NFT है, ऐसा नहीं है कि उसको तोड़ करके दो आधे मूल्य वाले में कर सकते हैं, यानी इसको मुद्रा के समतुल्य आप नहीं देखेंगे, है ना। NFT क्या है, ब्लॉकचेन का इस्तेमाल कर रहे हैं एक डिजिटल एसेट को प्रमाणित करने के लिए कि ये ओरिजिनल एसेट है और उसके बेसिस पे उसका वैल्यू आ रहा है। एक और इस्तेमाल पे आए कि आप ब्लॉकचेन का क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए इंडिया में चीट फंड का बाजार बहुत बड़ा है, चीट फंड का बाजार कितना बड़ा है ये तो हम आपको नहीं बता सकते हैं क्योंकि ये अंडरग्राउंड मार्केट है, बाजार का साइज नहीं पता चलता है, लेकिन बाजार के साइज का अनुमान इस बात से लगाइए कि इसमें होने वाले फ्रॉड का साइज 10 बिलियन है। अगर खाली फ्रॉड का साइज $10 बिलियन है तो पूरे मार्केट का साइज क्या होगा। चिट फंड क्या कहने का मतलब है, ये आम तौर पे एक कम शिक्षित, एक थोड़े से निम्न ये कमाई वाले घरों के बीच में, एक ऐसी परिस्थिति में जहां लोगों के पास थोड़ा सा बचत तो है लेकिन उनके पास जानकारी नहीं है कि निवेश कहाँ करें, उनको पता नहीं है सिप क्या होता है, म्यूचुअल फंड क्या होता है, उनको आकर के फूफा का मामा का भाई आकर के बोल दिया कि अरे 100 दिन में आपका पैसा डबल कर देंगे, अरे वहां पे लगाइए वो हो जाएगा। ये चिट फंड एक अनौपचारिक निवेश का तरीका है। पश्चिम बंगाल में एक बड़ा रैकेट पर्दाफाश हुआ था जिसमें पश्चिम बंगाल के कई नेता लोग इन्वॉल्व थे। चीट फंड्स इंडिया में आप देखेंगे कि खास करके समाज के कमजोर वर्गों के बीच में एक बड़ी समस्या है, इसमें फ्रॉड होता है। आप पैसा लगवा लिए और कहेंगे कि लॉटरी निकलेगा, लेकिन लॉटरी सेट किया हुआ है, किसका निकलेगा किसका नहीं निकलेगा इसमें ये नहीं है। यानी चीट फंड में फ्रॉड क्यों हो पा रहा है, क्योंकि उसमें प्रमाणिकता का अभाव है। चीट फंड को अगर आप ब्लॉकचेन पे ऑपरेट कर दें, आप ये रूल बना दें कि चीट फंड अगर काम करेंगे तो ब्लॉकचेन पे होंगे, तो देखिए कि अचानक पारदर्शिता आ जाएगी और ये जो लॉस हो रहा है, ये जो धोखाधड़ी हो रहा है उसको रोका जा सकता है। जूम आउट करके देखिए, हम आपको सतोशी नाकामोटो ने क्या बोला कि अथॉरिटी वाला सोच तोड़ करके अगर आप डिसेंट्रलाइज रूप से सोचिए तो पूरी दुनिया बदल जाएगी, आपको देखने का तरीका बदल जाएगा। और इसके लिए उन्होंने एक सॉफ्टवेयर का कॉन्सेप्ट दिया ब्लॉकचेन के आधार पर। इसको देखिए हम कितनी जगह इस्तेमाल कर पाए, हम कृषि क्षेत्र में सोच रहे हैं तो कृषि क्षेत्र में लगा सकते हैं, हॉस्पिटल का डेटा मैनेज करने के लिए हम लगा सकते हैं, आधार वोटर प्रशासन में लगा सकते हैं, भूमि में लगा सकते हैं, कृषि में लगा सकते हैं, चीट फंड में लगा सकते हैं, बैंकिंग में लगा सकते हैं, शैक्षणिक व्यवस्था में लगा सकते हैं। यानी समाधान एक, लेकिन इसका प्रयोग अनंत है। आप बस सोचिए और वहां पे ब्लॉकचेन सिस्टम लगाया जा सकता है और ये व्यवस्था पुरानी अथॉरिटी बेस्ड व्यवस्था से ज्यादा सिक्योर है और ज्यादा पारदर्शी है। एक सरकारी काम क्यों उसमें धोखाधड़ी हो पाता है, क्योंकि डाटा छुप नहीं पाएगा। अगर सारा डाटा अगर बाहर में खुल करके रखा रहे, ब्लॉकचेन अगर सबके लिए एक्सेसिबल हो, तो धोखाधड़ी नहीं हो पाएगा, है ना। तो आधार में लगा सकते हैं, वोट रिकॉर्ड में लगा सकते हैं, ब्लॉकचेन एक समाधान है ना। ब्लॉकचेन को हम बड़ा क्यों कह रहे हैं, देखिए इंटरनेट आया तो उसने मानवों की के जीवन को बदल दिया, इंटरनेट आया तो उसने सूचना की समस्या को दूर कर दिया। पहले अगर आपको कोई जानकारी चाहिए होती तो आप या तो घर में किताब रखे हैं तो उसमें मिलता, नहीं तो लाइब्रेरी जाते, लाइब्रेरी में भी किताब नहीं है तो रांची लाइब्रेरी जाते, सूचना को इकट्ठा करना आपके लिए कितना डिफिकल्ट होता। इंटरनेट आया वो समस्या समाधान कर दिया। वितरण का, हम अगर मान लीजिए कि एक जानकारी को हम लोगों में वितरित करना चाहते हैं तो पहले क्या है कि पेपर प्रकाशित करते, पैम्फलेट प्रकाशित करते और जितने लोग को बांट पाते उतना ना, अब सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दीजिए पूरा का पूरा दुनिया जान जाएगा एक बार में। तो ये वितरण का समस्या सॉल्व कर दिया, बड़े पैमाने पर सूचना को वितरित कर सकता है। इसने संचार की समस्या दूर कर दी, अमेरिका में बैठा हुआ भारत वाले के साथ व्हाट्सएप पे बात कर रहा है, उसमें कोई पैसा नहीं लग रहा है। तो देखिए कि एकदम इंटरनेट ने संचार को कितना सुलभ कर दिया कि जो है पे कि पैसे के बिना जो है सो लगभग मुफ्त में जो है वो इतनी दूर का संचार हो पा रहा है।
इंटरनेट ने बड़े बड़े काम किए, लेकिन इंटरनेट दो काम नहीं कर पाया जो कि कहा था कि वो करने करेगा या जिसके लिए इंटरनेट आया था। पहला चीज, इंटरनेट के साथ सबसे बड़ा दिक्कत क्या है, ट्रस्ट इशू। इंटरनेट पे जाल फरे भरे पड़े हुए हैं। इंटरनेट से कोई भी जानकारी आएगी तो आप उससे चार बार सोच करके उसको एक्सेप्ट करेंगे, किताब में लिखी हुई जानकारी है उसको आप तुरंत एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि इंटरनेट पे प्रमाणिकता नहीं है। किताब छपता है तो 10 बार वेरिफिकेशन से छपता है, 10 टेस्ट से गुजरता है। इंटरनेट पे तो हर कोई लेखक है, आप अपने जाकर के उलूल जुलूल लिखना चालू कर दीजिए तो आप भी जो है सो लेखक बन जाइएगा। इंटरनेट पे सूचना में ट्रस्ट का अभाव है। इंटरनेट एक और चीज क्या नहीं कर पाया, मध्यस्थों को समाप्त नहीं कर पाया। इंटरनेट आया था तो उसका जो वादा था कि इंटरनेट क्या कर सकता है, तो इंटरनेट ये कर सकता है कि दो कॉलेज के लड़के अपने घर के बेसमेंट में बैठ करके गूगल जैसी कंपनी तैयार करें और कल के गए वो दुनिया का एक बड़ा कंपनी तैयार हो जाए। फेसबुक, गूगल, अमेजॉन, ये सभी कंपनियां आप जानते हैं, सभी गैराज कंपनियां हैं। मतलब वो एक छोटे से घर के गैराज से एक दो आदमी के द्वारा शुरू की गई और इंटरनेट का ताकत था जो उनको वहां तक पहुंचा दिया। इंटरनेट जो संभावना लेके आता है कि एक मामूली लड़का अपने घर में बैठा हुआ जियो फाइबर या मोबाइल इंटरनेट का ही इस्तेमाल करके एक दुनिया बदलने वाला कंपनी खड़ा कर सकता है, एक वेबसाइट खड़ा कर सकता है, और अगर उसके सर्विसेज का डिमांड और उसका चीज अगर क्वालिटी का रहा तो वो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन सकता है। इंटरनेट ये वादा किया था और असल में शुरुआत की कंपनियां बनी भी, लेकिन आज के समय में खड़े होकर के हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि इंटरनेट सबके लिए ओपन है। ये गूगल और फेसबुक जैसी कंपनियां जो कि खुद निकल करके आई छोटे गैराज से, आज इंटरनेट पे इनका इतना दबदबा है कि बेसिकली इन लोग रूल तय करता है। कायदे से किसी को इनका रूल फॉलो करने का जरूरत नहीं है, लेकिन सोचिए हम अगर वेबसाइट चलाते हैं तो हमारे वेबसाइट का 90% जो विजिटर है वो गूगल सर्च से आता है। हाँ, हमको गूगल के अनुसार काम करने का जरूरत नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कि गूगल अगर हमको सर्च में ऊपर जगह नहीं देगा तो हमारा उतना विजिटर चले जाने वाला है, हमारा मेन विजिटर गूगल के माध्यम से आने वाला है। तो क्या देखिए कि गूगल बोलता है कि अब सब वेबसाइट को SSL होना होगा, तो दुनिया के जितने भी वेबसाइट वाले हैं सबको तुरंत बदलना पड़ जाएगा, क्योंकि नहीं बदलिएगा तो गूगल देवता नाराज है जहां से इतना बड़ा ट्रैफिक आने वाला है। सिमिलरली प्ले स्टोर, अधिकतर के दुनिया में एंड्रॉयड का इतना बड़ा मार्केट है, एंड्रॉयड में जो एप्स आएंगे वो प्ले स्टोर से आएंगे। कायदे से इंटरनेट पे कोई भी ओपन है, लेकिन अगर आप लोगों तक अपना ऐप पहुंचाना चाहते हैं तो आपको गूगल के प्ले स्टोर पे जाना पड़ेगा, और गूगल के प्ले स्टोर पे जाएंगे तो उन लोग जो नियम कहता है कि आइकॉन इतना होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, नाम ऐसा होना चाहिए, आपको फॉलो करना पड़ेगा। यानी आज का इंटरनेट मध्यस्थों से भरा पड़ा हुआ है। हमारे पास ये मध्यस्थ तय करते हैं कि इंटरनेट पे प्लेइंग फील्ड कैसा होने वाला है, इन लोग कंट्रोल करता है। ब्लॉकचेन दो चीज सुधार रहा है। क्या सुधार रहा है? पहला चीज, ट्रस्ट प्रॉब्लम दूर हो गया। अब ब्लॉकचेन में अगर कोई डेटा है वो 100% वेरीफाइबल डेटा है। आप कभी भी उस पे इस बात पे आप सवाल नहीं उठा सकते हैं कि डेटा फर्जी है, अगर ब्लॉकचेन सर्टिफाई कर रहा है कि सही है तो सही है। पहली बार ट्रस्ट का कंपोनेंट आया है जहां पे कि एकदम 100% वेरीफाइबल बात है कि उस पे आप नहीं कर सकते। दूसरा चीज, ये मध्यस्थ के ऊपर काम ही नहीं करता है, हम समझ रहे हैं किस तरीके का है, एकदम कंप्लीटली विकेंद्रीकृत है। कोई भी अपना कंप्यूटर लगा सकता है सिस्टम को चलाने के लिए, तो ऐसा नहीं होने वाला है कि इसमें कोई मध्यस्थ या कोई दबदबा बन जाएगा। इंटरनेट की दो जो सबसे बड़ी खामियां थी इसको ब्लॉकचेन पूरा करता है, और ब्लॉकचेन एक कल के समय में एक सही, ऑनेस्ट और पीयर टू पीयर, कहने का मतलब है जिसमें कोई मध्यस्थ ना हो, जिसको सिर्फ लोग चला रहे हो, उस तरीके का प्रौद्योगिकी प्रॉमिस कर रहा है। और अभी तो हम लोग बस सोच रहे हैं, देखिए अभी तो हम लोग आइडिया के लेवल पे बात कर रहे हैं। कल की दुनिया में देखिए कि अधिकांश चीजें जो है वो ब्लॉकचेन पे मैनेज की जाएंगी। ये प्राधिकरण आधारित जो मैनेजमेंट है वो इनइफेक्टिव है और आगे चल करके ये समाप्त होगा। हालांकि नई टेक्नोलॉजी है, अभी के समय हम लोग देख समझ रहे हैं, लेकिन जितना देख पाए हैं उतना में संभावनाएं हमको अनंत दिख रही हैं। ब्लॉकचेन एक जादुई चीज है जो कि प्रशासन से लेकर के व्यक्तिगत जीवन तक को बदलने वाला है ना। तो ये रहा ब्लॉकचेन। हम ब्लॉकचेन को लेकर क्लियर है। ब्लॉकचेन क्या है? एक सत्यापित होने वाला एक सिस्टम है जो कि डिसेंट्रलाइज रूप से काम करता है, कोई एक नहीं चला रहा होता है। आइडिया बहुत अच्छा है ना, लेकिन अब आते हैं
क्रिटिकल एस्पेक्ट पे, जो कि बार बार हम लोग बोल रहे थे कि आखिर में कोई भी चला सकता है, कोई एक नहीं मैनेज करेगा, कोई क्यों चलाएगा। अगर हम अपना कंप्यूटर लगाएंगे तो हमारा बिजली का बिल उठेगा, हम अगर अपना कंप्यूटर लगाएंगे तो हमारा कंप्यूटर का वियर एंड टियर होगा, कंप्यूटर खराब होगा। भाई कंप्यूटर तो खपत होने वाला चीज है ना, जितना दिन चलेगा, जितना तेज क्षमता पे चलेगा उतना उसका जीवन कम होगा, कोई कंप्यूटर क्यों लगाएगा, है ना। और सबसे बड़ी बात क्या है कि कोई इस ब्लॉकचेन सिस्टम में इंटरेस्टेड ही क्यों होगा। केरला वाला जो है सो जमीन का मैनेज कर रहा है, अब हम डाल्टनगंज में बैठे हम काहे के लिए अपना कंप्यूटर केरला वाले के लैंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट के लिए लगाएं। उसका जवाब है हमारा दूसरा, वो है क्रिप्टो करेंसी। अब आते हैं क्रिप्टो करेंसी पे। क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन सिस्टम को मैनेज करने का इनाम है, यानी कि जो भी अपना कंप्यूटर लगाएगा उस ब्लॉकचेन के सिस्टम को चलाने में, उसको उसके कंप्यूटर के इस्तेमाल के बदले में इनाम दिया जाएगा, और वो इनाम होगा क्रिप्टो करेंसी। ये जो बिटकॉइन, लाइटकॉइन, लिब्रा, ये सभी जो सुन रहे हैं, ये असल में उन कंप्यूटर वालों को जनरेट हुआ है जिन्होंने उस एक ब्लॉकचेन सिस्टम को चलाने के लिए अपना कंप्यूटर लगाया। इस चलाने के लिए जो एक आदमी कंप्यूटर लगाता है उस प्रक्रिया को माइनिंग कहते हैं। माइनिंग मतलब खोदना, उत्खनन कहलाता है, लेकिन आप समझ रहे हैं ना तो रियल क्वाइन है ना तो रियल माइनिंग हो रहा है, कुदाल नहीं चला रहे हैं आप, क्या है उस तंत्र से अपने कंप्यूटर को जोड़ दिए हैं और वो तंत्र आपका कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहा है ब्लॉकचेन के सिस्टम को, डेटा को रिकॉर्ड करने के लिए, है ना। इस प्रक्रिया को माइनिंग कहा जाता है और जो आदमी ये कर रहा होता है उसको माइनर कहा जाता है। हालांकि आदमी को कोई काम नहीं करना है, कंप्यूटर को लगा दिए, हमारे कंप्यूटर के प्रोसेसर का इस्तेमाल करेगा और ब्लॉकचेन में डेटा रिकॉर्ड होता जाएगा, उनका ब्लॉकचेन मैनेज होगा और उसमें जितना हमने भागीदारी किया है उसके एवज में हमको कुछ क्रिप्टोकरेंसी मिलेगा। ब्लॉकचेन अलग चीज है, क्रिप्टोकरेंसी अलग चीज है, ब्लॉकचेन को चलाने वाले को उसके बदले में क्रिप्टोकरेंसी मिलता है, है ना। तो माइनिंग उस प्रक्रिया को कहते हैं, माइनर जो काम करता है, और माइनिंग रिग कहने का मतलब जो लोग प्रोफेशनली ये काम कर रहे हैं उन लोग एकाध कंप्यूटर नहीं लगाते हैं, एक बड़ा रूम में जो है सो 25-30 कंप्यूटर का सेटअप लगाते हैं जो सब जुड़ा रहता है और वो किसी एक ब्लॉकचेन सिस्टम में वो लगा के छोड़ दिए हैं क्योंकि वो आराम से काम करता रहे, उधर से पैसा जनरेट होता रहे। ये इस तरीके के रिग्स बैठाए जाते हैं, तो आप भी चाहें तो अपना रिग बैठा सकते हैं। रिग हुआ तो ज्यादा कंप्यूटर लगाए हैं, ज्यादा कंप्यूटर लगाए हैं तो ज्यादा आपका क्रिप्टो करेंसी जनरेट होगा, एक कंप्यूटर लगाए हैं तो कम क्रिप्टो करेंसी जनरेट होगा, ये वाला चीज है, है ना। ये जो दुनिया के जितने भी अलग अलग क्रिप्टो करेंसी को देख रहे हैं, इसका मतलब अब हम समझ सकते हैं कि हर क्रिप्टो करेंसी किसी एक ब्लॉकचेन सिस्टम का परिणाम है। तो अगर बिटकॉइन है तो क्यों बिटकॉइन है, क्योंकि एक ब्लॉकचेन सिस्टम है जिसमें कि डेटा रिकॉर्ड हो रहा होगा और उसमें से जो क्रिप्टो करेंसी निकला उसका नाम बिटकॉइन है। फेसबुक वाले ने अपना एक डेटा बनाया, उसमें जो करेंसी जनरेट हो रहा है वो लिब्रा है, वो अलग है। यानी जितना जगह आप ब्लॉकचेन लगाइएगा हर ब्लॉकचेन अपने साथ एक अलग करेंसी देगा। जैसे सपोज कीजिए कि हम लोग एग्जांपल क्या ले रहे थे कि शैक्षणिक प्रमाण पत्र को मैनेज करने के लिए हम एक ब्लॉकचेन लगा दिए। अब इस ब्लॉकचेन को मैनेज करने के लिए जो भी कंप्यूटर करेगा, लेट से कि हम लोग नाम दे रहे हैं कि वो एक एडू कॉइन नाम का जो है सो क्रिप्टो करेंसी जनरेट करेगा, तो इधर एडू कॉइन हो गया। गांव वाले में जैसे हम ब्लॉकचेन लगाए तो उसमें जो क्रिप्टो करेंसी होगा तो मान लीजिए उसको नाम दे देते हैं इलेक्ट्रो कॉइन हो गया। तो अलग अलग टाइप के अलग अलग ब्लॉकचेन के इंप्लीमेंटेशन में अलग अलग क्रिप्टो करेंसी निकल रहा है। जो अलग अलग क्रिप्टो करेंसी देख रहे हैं असल में वो अलग अलग ब्लॉकचेन इंप्लीमेंटेशन का हिस्सा है। वो बिटकॉइन एक ब्लॉकचेन कहीं पे लगा हुआ है उसका हिस्सा है, दूसरा लिब्रा एक अलग बिटकॉइन है ब्लॉकचेन है उसका हिस्सा है, और सभी ब्लॉकचेन सिस्टम अपने अपने क्रिप्टो करेंसी जनरेट करते हैं। ब्लॉकचेन कहीं पे भी लगाया जा सकता है, क्रिप्टो करेंसी कोई भी जनरेट कर सकता है, लेकिन बाजार में क्रिप्टो करेंसी कौन पसंद किया जाएगा ये तो लोकप्रियता पे है। हम अगर एक सपोज कीजिए कि आप लोग के क्लास का स्कोर मैनेज करने के लिए हम लोग उदाहरण में इस्तेमाल कर रहे थे कि एक ब्लॉकचेन लगा दें, हाँ हम लोग ब्लॉकचेन लगा सकते हैं जिसमें कि आप लोग का सबका स्कोर जो है वो ब्लॉकचेन में मैनेज होगा, और इसको मैनेज करने के लिए मान लीजिए कि हम एक CCS का एक क्रिप्टो करेंसी भी निकाल देते हैं। लेकिन
दुनिया के लोग बिटकॉइन को जानते हैं, बिटकॉइन खरीदने के लिए लोग आएंगे, सीसीएस कॉइन खरीदने के लिए शायद लोग नहीं आएंगे, क्योंकि ये उतना रिकॉग्नाइज नहीं है। करेंसी कहीं पे भी जनरेट होगा, लिस्ट में जिन करेंसीज का नाम देख रहे हैं ये वो है जो कि लोकप्रिय हो गए हैं, वरना जितने तरीके बार आप ब्लॉकचेन लगाइएगा अपना अपना आप क्रिप्टो करेंसी जनरेट करते रह सकते हैं, है ना। कुछ क्रिप्टो करेंसी पे बात करें, बिटकॉइन सबसे पुराना क्रिप्टो करेंसी है, बीटीसी उसका यूनिट है, 2009 में ही आ गया था, यानी कि सबसे पहला इम्प्लीमेंटेशन था सतोशी नाकामोटो के आइडिया का। अभी के समय में बिटकॉइन का वैल्यू कितना है जानते हैं? 45 लाख है एक बिटकॉइन के आसपास में। अभी के समय 48 लाख है, बढ़ गया है, हम 42 में देखे थे, इस बीच में 7 लाख के आसपास में उसका वैल्यू, 7,000 के आसपास वो बढ़ा है, 48 लाख नहीं कितना हुआ, हाँ 48 लाख हुआ ना, 48,41,000 एक बिटकॉइन का वैल्यू है। अभी सब सोच करके आपको लग रहा होगा कि झूठो के सिविल सर्विस की तैयारी में लगे हैं, कंप्यूटर लगाना है, माइनिंग करते हैं, भाई बिटकॉइन आ रहा है, अगर मान लीजिए इतना बढ़िया बढ़िया हो तो बेनिफिट तो है ना। हम लोग देखेंगे कि ऐसा नहीं है, ऐसा क्यों नहीं है, ऐसा क्यों नहीं है। पहली बात तो बात हो कि क्या इन क्रिप्टो करेंसी जो कि कंप्यूटर से जनरेट हो रहा है इसको मुद्रा भी कहा जा सकता है क्या, क्या ये मुद्रा के गुण रखता है? मुद्रा का अहम गुण क्या है कि वो सीमित मात्रा में होता है। अगर कंप्यूटर से कंप्यूटर चलाइए और पैसा जनरेट होगा तब तो चलाते जाइए पैसा जनरेट होता जाएगा, चलाते जाइए पैसा जनरेट होता जाएगा, तो ये तो आम के पत्ता को मुद्रा बनाने वाली बात हो गई। ऐसा नहीं हो, इसके लिए ब्लॉकचेन सिस्टम में एक इनहेरेंट सिस्टम डाला हुआ है। वो क्या है कि इसमें रिवार्ड घटता जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि हम गांव वाले इलाके में जो ब्लॉकचेन लगाए थे उसको हम लोग इलेक्ट्रो कॉइन का सिस्टम कह रहे हैं ना, इलेक्ट्रो कॉइन का सिस्टम हम आज से चालू किए, तो जो शुरुआत का डेटा ब्लॉक सॉल्व हुआ, मतलब कि जो शुरुआत का डेटा रिकॉर्ड हुआ, तो इसमें 50 इलेक्ट्रो कॉइन जनरेट हुआ, यानी कि जिसने भी पहला डेटा ब्लॉक को क्रिएट करने में अपना कंप्यूटर लगाया उसको 50 इलेक्ट्रो कॉइन मिला, लेकिन अगले डेटा ब्लॉक से उसका वैल्यू हाफ होना चालू हो जाता है, यानी कि शुरुआत का डेटा रिकॉर्ड किए हैं तो 50 मिला, उसके बाद का इक्वल डेटा रिकॉर्ड किए हैं लेकिन 25 मिला, उसके बाद का इक्वल डेटा रिकॉर्ड किए हैं तो वो घटते चला जाएगा, यानी कि एक ब्लॉकचेन सिस्टम एक सीमित मात्रा का क्रिप्टो करेंसी ही प्रोड्यूस करेगा, शुरुआत में ज्यादा प्रोड्यूस करेगा, धीरे धीरे आधा होते होते एक समय जा करके वो करेंसी जनरेट करना बंद कर देगा। बिटकॉइन भी, बिटकॉइन बहुत पुराना सिस्टम है, 2009 में आया था ना बिटकॉइन, अभी के समय जाते जाते तक उसका स्थिति यह है कि आज अगर बिटकॉइन का माइनिंग करने के लिए या बिटकॉइन के ब्लॉकचेन को मैनेज करने के लिए आप अपना कंप्यूटर लगाइएगा तो इसमें जितना आपका लाइट बिजली का और कंप्यूटर का खर्चा होगा वो ज्यादा हो जाएगा और बिटकॉइन से जितना आपको पैसा प्रॉफिट मिलेगा वो कम हो जाएगा। कब आपको बेनिफिट होता? जब आप अर्ली पीरियड में लगाए होते, लेकिन अर्ली पीरियड में किसी को क्या पता है कि कौन सा करेंसी आगे होगा। हम लोग अभी बात कर रहे हैं सीसीएस कॉइन का, अभी के समय कोई उसमें माइनिंग में लगाएगा तो ज्यादा बेनिफिट होगा, लेकिन इसको क्या पता है कि ये दुनिया में पॉपुलर होगा कि नहीं होगा। एक लोग शुरुआत में नहीं लगाएंगे और बाद में जब पॉपुलर होगा तो उस समय उसका फिर प्रोडक्शन का वैल्यू कम हो जाएगा। तो एक कोई भी क्रिप्टो करेंसी है वो सीमित मात्रा में ही उत्पादन करेगा और उसके बाद बंद हो जाएगा। आप कहेंगे बंद हो जाएगा तो फिर ब्लॉकचेन, हाँ ब्लॉकचेन बंद हो गया तो जैसे एक रजिस्टर भरता है उसको हटाइए, दूसरा रजिस्टर लगाइए, सॉफ्टवेयर है उस ब्लॉकचेन को बंद कीजिए, नया ब्लॉकचेन उसके जगह पे लगाइए और फिर जीरो से चालू कीजिए, रिंस एंड रिपीट का साइकिल जो है वो चालू किया जा सकता है ना, कि एक बार एक सिस्टम खत्म हुआ तो वो खत्म हुआ उसके जगह पे दूसरा आ जाएगा, तो आप हाँ उसके जगह पे हम दूसरा लगाएंगे। ये एक विचार है, समझने का बात है ना कि ब्लॉकचेन कोई एक सॉफ्टवेयर नहीं है, एक विचार है जिसको कई जगह पे आप लगा सकते हैं, वो इस तरीके का डेटा मैनेज के लिए लगा सकते हैं, उस तरीके का लगा सकते हैं,
पुराने जो बिटकॉइन वाले जो ब्लॉकचेन थे वो धीमे थे, फेसबुक वाला जो लिब्रा लेकर के आया वो उसमें रिकॉर्ड करने का स्पीड जो है वो 10 गुना 15 गुना उसका बढ़ चुका था। जाहिर सी बात है अपडेटेड वर्जन में है वो चीजें बदलती जाएंगी, हमको प्रयोग देखना है। यहाँ बिटकॉइन लगा, यहाँ ब्लॉकचेन लगा दीजिए, वहाँ ब्लॉकचेन लगा दीजिए और उसके साथ क्रिप्टो करेंसी आएगा। अब सवाल है कि आज आप क्रिप्टो करेंसी अगर चाहते हैं तो आपको कैसे मिलेगा। एक तो तरीका है माइनिंग कीजिए। माइनिंग करने का मतलब क्या है, अपना कंप्यूटर लगाइए उसके ब्लॉकचेन को मैनेज करने में, तो आपको पैसा जनरेट करेगा। दूसरा तरीका क्या है, किसी दूसरे के पास बिटकॉइन हो तो उससे खरीद लीजिए। कई इंटरनेट पे एक्सचेंज के साइट है जहां पे कि बेचा खरीदा जाता है, तो आप कुछ रुपया से जो है 48-49 लाख रुपया दीजिए और एक बिटकॉइन जो है वो आप खरीद सकते हैं। तीसरा चीज क्या है, व्यापार में विनिमय के माध्यम के लिए रूप में लीजिए। तो हम जो है सो स्टूडेंट फी के रूप में अगर हम क्रिप्टो करेंसी ले लें तो हमारे पास भी क्रिप्टो करेंसी आ जाएगा। तो तीन मार्फत से एक आदमी के पास क्रिप्टो करेंसी आएगा, या तो खुद माइनिंग करेगा, या तो किसी से खरीद लेगा, या तो भुगतान के रूप में क्रिप्टो करेंसी एक्सेप्ट करेगा। तो और ये क्रिप्टो करेंसी ऐसे चलता है, ये इलेक्ट्रॉनिक मुद्रा हुआ, जाहिर सी बात है। लेकिन इसको अन्य बैंक मुद्रा से ये अलग कैसे है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी एकदम रेगुलेशन से बाहर है। अभी आने दीजिए, अगला इसके साइड में हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए, अब क्रिप्टो करेंसी के साथ अभी तक तो सब कुछ ठीक लग रहा था, है ना, कि एक ब्लॉकचेन का सिस्टम वो तो खूब बढ़िया है, क्रिप्टो करेंसी आ गया वो भी अच्छा लग रहा है। अब आते हैं कि इसके साथ कमी क्यों है, लोग क्रिप्टो करेंसी का नाम सुनकर के भाग क्यों रहे। पहला चीज ये है कि सार्वभौमिक स्वीकृति का अभी के समय अभाव है, यानी कि सभी लोग क्रिप्टो करेंसी अभी एक्सेप्ट नहीं किए। नया दुनिया है, कहीं पे एक्सेप्ट होगा कहीं पे नहीं एक्सेप्ट होगा, दुनिया के सभी देश ही ओके नहीं किए हैं। भारत में भी अगर क्रिप्टो का स्थिति रियलिटी में पूछने जाइए तो हम लोग क्या कहेंगे, देख रहे हैं, मतलब अभी के समय हम अपना स्टैंड कायदे से हमारा क्लियर नहीं हुआ है। और ये हमारी स्थिति दुनिया भर में बाकी दूसरों की भी स्थिति है, क्योंकि आप समझ रहे हैं नीति बनाने वाले ये पुराने लोग हैं, इन लोग को टेक्नोलॉजी ज्यादा समझ में नहीं आता है। इंडियन ही नेता लोग से पूछा गया कि बताइए तो कि ब्लॉकचेन के बारे में क्या कहना है, तो सब कहे आहा ब्लॉकचेन बहुत बढ़िया है, हमको बहुत बढ़िया सुनने को मिला है। बजट में निर्मला सीतारमण ब्लॉकचेन का बड़ाई कर दी कि अब सरकार ब्लॉकचेन का इस्तेमाल करेगा, ये ज्यादा अच्छा है। लेकिन इन्हीं से जाकर के फिर पूछिए कि क्रिप्टो करेंसी के आपके बारे में क्या कहना है, तो कहेंगे ना ना क्रिप्टो करेंसी नहीं। हम आएंगे कि क्यों नहीं हो, वो उनका कहना भी जायज है, लेकिन आप अब जब तकनीकी पहलू समझ रहे हैं तो आप समझ रहे हैं कि बिना ब्लॉकचेन के बिटकॉइन नहीं होगा, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी क्यों जनरेट होगा, कोई ब्लॉकचेन को चलाने के लिए होगा। और अगर ब्लॉकचेन होगा और क्रिप्टो करेंसी नहीं होगा तो कोई अपना कंप्यूटर क्यों लगाएगा, उसमें रिवार्ड सिस्टम नहीं रहेगा, वरना फिर वो डिसेंट्रलाइज रूप से मैनेज नहीं हो पाएगा। क्रिप्टो और ब्लॉकचेन साथ में ही एग्जिस्ट कर सकते हैं। लोगों को रिवार्ड नहीं दीजिएगा तो कोई अपना कंप्यूटर क्यों मैनेज करने के लिए लगाएगा, और इसमें तो अथॉरिटी बेस्ड मैनेजमेंट होना नहीं है। तो इसकी कमियों में आते हैं, सबसे बड़ी कमी क्या है कि सबको इसको स्वीकार नहीं करता, एक सार्वभौमिक स्वीकृति का अभाव है। दूसरा चीज, ये जो क्रिप्टो करेंसी है ये एकदम एनोनिमस होता है, अनट्रेसेबल होता है। तुरंत आप लोग के दिमाग में अभी के समय घंटी बजना चाहिए कि हम थोड़े देर पहले बोल रहे थे कि ट्रेसेबिलिटी है, आप पीछे से ट्रेस कर सकते हैं। ट्रेसेबिलिटी ब्लॉकचेन में है, आप समझिए कि ब्लॉकचेन दूसरा चीज है। ब्लॉकचेन के अंदर जो डेटा लिखा हुआ है वो ट्रेसेबल है, उसमें जो डेटा है उसको पीछे ट्रेस कर सकते हैं। लेकिन ब्लॉकचेन चलाने के बदले में हमको जो क्रिप्टो करेंसी मिला है, ये हम किसी से अगर भुगतान करें तो इसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता। इन दोनों चीज के बीच में डिस्टिंक्शन क्लियर होना बहुत जरूरी है। अगर हम जमीन के रिकॉर्ड को मैनेज करने के लिए अगर एक ब्लॉकचेन लगाए हैं, तो इसमें जमीन का रिकॉर्ड जो ब्लॉकचेन में दर्ज है वो प्रमाणित है, उसमें बैक ट्रेसेबिलिटी संभव है। लेकिन इस सिस्टम को चलाने के लिए हमने कंप्यूटर लगाया, इसके बदले में क्रिप्टो आया, ये क्रिप्टो मनी का रिकॉर्ड ब्लॉकचेन में नहीं है, क्रिप्टो मनी रिवार्ड में आया और वो किनारे दे दिए। ये ब्लॉकचेन के अंदर में क्रिप्टो का डेटा नहीं लिखा हुआ है, क्रिप्टो
कंप्लीटली एनोनिमस होता है, जिसको एक को दे दिए तो इसमें कोई केवाईसी नहीं होता है, ये वैलेट में रहता है, नाम भी नहीं होता है और कोई भी किसी को दे सकता है। पूरे दुनिया में कहीं से कहीं भुगतान संभव है और एकदम एनोनिमस, इसमें कोई ट्रेस नहीं कर सकता है कि कौन किसको पैसा दिया, कौन क्या दिया। समझेंगे, क्रिप्टो का मूवमेंट ब्लॉकचेन के बाहर हो रहा है, ब्लॉकचेन के अंदर में डेटा रिकॉर्ड किया हुआ है, वो डेटा प्रमाणित है, वो बैक ट्रेसेबल है, लेकिन उस सिस्टम को चलाने के लिए जो करेंसी मिला उसका कोई ट्रेसिंग नहीं है, ये कंप्लीटली अनट्रेसेबल है। तो फिर वही बात होगा कि इसको चलाने के लिए फिर ब्लॉकचेन लगाइए, तो उसको मैनेज करने के लिए आपको फिर वो तो इंडलेस लूप हो जाएगा ना। तो इसमें देखिए, लोगों को आपको कोई क्यों कंप्यूटर लगा है, इस सवाल का जवाब देना बहुत जरूरी है। कोई क्यों कंप्यूटर लगा है, तो कंप्यूटर इस चलते लगा है क्योंकि उसके बदले करेंसी होगा। तो लोग कहेंगे कि रुपया तो पहले से था, करेंसी में एडवांटेज क्या है? तो एडवांटेज ये है कि ये करेंसी को ट्रेस नहीं किया जा सकता है, ये करेंसी सरकार के नियंत्रण से बाहर है, ये करेंसी आरबीआई के नियंत्रण से बाहर है, इंटरनेशनल पेमेंट संभव हो सकता है जिसमें सरकार को पता नहीं चलेगा कि कौन पैसा कहाँ चला गया। अब सोचिए कि किसी भी मनी में अगर ये बात डाल दीजिए तो तुरंत भर में आरबीआई का क्रिप्टो सुनते कान क्यों खड़ा हो जाता है, या सरकार का क्रिप्टो काम सुनते काहे खड़ा हो जाता है, क्योंकि इन लोग के कंप्लीट कंट्रोल से बाहर है। टेरर फाइनेंसिंग पॉसिबल है, पाकिस्तान से जो है वो उग्रवादी समूह जो है वो क्रिप्टो के रूप में पैसा भेज सकते हैं, ना आरबीआई को पता चलेगा, ना गवर्नमेंट को पता चलेगा, केवाईसी है, ये एकदम एनोनिमस सिस्टम है, ये इधर का चीज बिल्कुल दूसरा का कर सकता है। और इसमें ये हुआ था, जानते हैं जो पहला आदमी, आप आज थोड़ा सा इंटरनेट पे जाकर के सर्च कीजिएगा, शुरुआत शुरुआत में जब बिटकॉइन का सिस्टम बैठा था तो लोग का वैल्यू नहीं था, उस समय बिटकॉइन कौन पूछता था। तो एक एक्सपेरिमेंट में वो कॉलेज का लड़का था, वो अपना कंप्यूटर लगा के खेल खेल में कर रहा था, तो उसको कुछ बिटकॉइन था। वो रात में पिज्जा का ऑर्डर दिया और पिज्जा दुकान वाले को बोला कि देखो पैसा नहीं है, कुछ बिटकॉइन है, वो नया चीज है, ले लो। दुकानदार बेसिकली फ्री में देने के हिसाब से कहा अच्छा ठीक है जाओ खाओ, इस तरीके से बिटकॉइन उससे लिया। आज उस लड़के का इंटरव्यू, जिसने ये पैसा पे किया था उसका इंटरव्यू इंटरनेट पे उपलब्ध है, आज जितना बिटकॉइन वो पे किया था पिज्जा के लिए वो कई मिलियन अरब खरब डॉलर के बराबर था। मतलब आज के समय में वो एक छोटा देश खरीद लेता, इतना पैसा बिटकॉइन का आज के वैल्यू में है, जो कि उस समय वो पिज्जा देने के लिए किया। बिटकॉइन चूंकि वैलेट में रहता है, एनोनिमस है, इसका मतलब कि ये खो भी सकता है। आप एक पेन ड्राइव में बिटकॉइन डाले हैं और पेन ड्राइव भुला गए तो आपका वो पैसा चला गया, आपका कोई नाम नहीं है, कोई रिकॉर्ड नहीं है, वो एनोनिमस है, तो खो गए तो बाकी जैसे पैसा। एक और न्यूज आप इंटरनेट पे खोजिएगा, एक आदमी एक और वैसा ही स्टूडेंट था जो कि कॉलेज के समय में बिटकॉइन वगैरह में कुछ कुछ किया था, उस समय उसको वैल्यू नहीं पता था, उसके एक पेन ड्राइव में कुछ कॉइन रखा था, बाद में जाता है पता चलता है कि बिटकॉइन का रे इतना वैल्यू है, खोजने पे चला तो उसका पेन ड्राइव नहीं मिला, उसका पेन ड्राइव कहीं खो गया और वो भी अरबों अरब का जो है सो पैसा जो है उस एक कॉइन के साथ चला गया। वो उसको खोजने के लिए बल्कि शहर के ये इसमें डंपिंग ग्राउंड में गया था जहां पूरे शहर का कचरा जाके गिरता है। अब कहां पूरे शहर के कचरे वाले में आपको एक पेन ड्राइव क्यों कहां मिलने जा रहा है, लेकिन उसके दिल पे सोचिए क्या बीत रही होगी कि अरबों अरब का पैसा था उसके अंदर में जो कि एक इसके साथ में चला गया है ना। एनोनिमिटी उसके साथ में ब्लॉकचेन के साथ में आता है। तो गौर करेंगे, ब्लॉकचेन अलग है, क्रिप्टो अलग है, संबंधित अलग है, संबंधित जरूर है लेकिन दोनों अलग अलग चीज है। क्रिप्टो का पेमेंट नॉन ट्रेसेबल है, वैलेट टू वैलेट होता है, कोई नाम इन्वॉल्व नहीं है, इंटरनेशनली कहीं पे भी हो सकता है। अब सोचिए कि मौद्रिक और राजकोषीय नियंत्रक अगर कुछ कर नहीं सकते हैं तो अर्थव्यवस्था में ये समस्या खड़ा करने वाला मुद्रा है, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन नहीं कंट्रोल किया जा सकता है और ये वाला चीज है ना। तो इसमें नियामक नियंत्रण का कमी है, कोई नियंत्रक नहीं है, बबल बनने की संभावना है। हम लोग जानते हैं कि सबको ही अभी के समय बिटकॉइन बिटकॉइन, आपको भी आज तकनीकी पहलू समझने से पहले आपको किस तरीके से आपके दिमाग में आया होगा कि लोग कह रहे हैं कि बिटकॉइन में बहुत फायदा है, बिटकॉइन में फायदा है, ऐसी सोच सोच करके लोग उस पर पहुंच रहे हैं, एनएफटी खरीदने लग जा रहे हैं, बिटकॉइन खरीदने लग जा रहे हैं, और इससे क्या हो रहा है, बबल बन रहा है। ये जो 48 लाख एक बिटकॉइन का पहुंचा है ये बबल है, एक दिन वैल्यू गिर करके इसका नीचे जगह पे आएगा और बीच वालों का सारा पैसा जो है वो गायब हो जाएगा। तो ये एक इकोनॉमी के लिए भी प्रॉब्लम है, साथ में
जैसा हम कहें कि ये चूंकि डिजिटल वैलेट में रहता है, इसका मतलब वैलेट खो गया तो पैसा खो गया, और नाम उनके साथ जुड़ा हुआ है नहीं, एनोनिमस है, तो खोया हुआ को आप क्लेम नहीं कर सकते हैं कि हमारा है, वो चला गया, वो मामला खत्म है। तो एक्चुअल बिट्स एंड बाइट के रूप में ट्रांसफर होता है। हम अपने पास से भेजे तो वो आपके पास चला गया, आपके उस डेटा को मैनेज किए हैं, तब तक वो पैसा है, कंप्यूटर में वायरस लग गया, फॉर्मेट हो गया, तो आपका जो है सो इलाका साफ हो जाएगा, है ना। तो ये अब क्रिप्टो का ये मामला है, क्रिप्टो और ब्लॉकचेन के बीच में स्पष्टता रखें। अब दुनिया में क्या स्थिति है, देखिए कि लिब्रा नाम से एक फेसबुक वाला 2020 में अपना ये ब्लॉकचेन सिस्टम लागू किया था, उसके ऊपर ये एक करेंसी है जो कि चल रहा है। मार्शल आइलैंड, इसने अपना ये संप्रभु एक क्रिप्टो करेंसी जारी किया है, ये स्टेट का है, वो जो है सोवर्न के नाम से है। उसके बाद वर्ल्ड बैंक ने ऑस्ट्रेलिया का एक मशहूर बीच है जिसका नाम है बॉन्डी बीच, BONDI, तो उन्होंने बॉन्ड डैश आई के नाम से एक क्रिप्टो करेंसी बेस्ड ग्रीन बॉन्ड जारी किया था। इसको हम लोग आगे बॉन्ड वगैरह पढ़ेंगे तो देखेंगे ये क्रिप्टो करेंसी बेस में। वेनेजुएला ने पेट्रो नाम का क्रिप्टो करेंसी जारी किया जिसमें अपने क्रिप्टो करेंसी को उसने एक तेल के बैरल के साथ में मूल्य लिंक कर दिया, मतलब बाजार में तेल के बैरल का मूल्य जैसे अप डाउन होगा वैसे इस क्रिप्टो करेंसी का अप डाउन होगा, बेसिकली कॉन्फिडेंस देने का स्तर है कि किसका कितनो वैल्यू गिरेगा तो तेल से नीचे नहीं गिरेगा, वो लोगों को इसमें कॉन्फिडेंस देने के लिए। भारत की स्थिति क्या है, भारत की स्थिति ये है कि दो तीन हम लोग दो राहे पे खड़े, मतलब सरकार के नजर से आए तो सरकार में आधे लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। जहां एक तरफ ब्लॉकचेन एक बहुत सारी समस्याओं का समाधान प्रॉमिस करता है, वो अमृत है, वहीं दूसरे तरफ उसके साथ क्रिप्टो जैसा विष भी जुड़ा हुआ है, दोनों चीज एक साथ में। हम बीच बीच के दो राहे में दुनिया को एक्सेप्ट करते देख रहे हैं, तो हम पीछे भी नहीं रहना चाहते हैं, हम जानते हैं कि दुनिया से अलग रवैया अपनाएंगे तो भी नहीं हो पाएगा। आरबीआई का रात का नींद उड़ा हुआ है, सरकार के रात का नींद उड़ा हुआ है, करे तो क्या करे, हम कहीं बीच बीच में। अब तक के जो डेवलपमेंट्स हुए हैं वो क्या हुए हैं, 2017 में दिनेश शर्मा समिति जो है वो बैठाया जाएगा इसी बात को लेकर के कि पूरे दुनिया में क्रिप्टो चल रहा है, भारत क्या करे। दिनेश शर्मा क्या बोलते हैं, बैन कीजिए, बहुत खराब चीज है, इंडिया में गड़बड़ कर देगा, क्रिप्टो कैसे चलने देंगे। उसके बाद 2018 में आरबीआई सारे बैंकों को और फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज को एक निर्देश जारी करता है और बोलता है कि अगर आप बैंक या फाइनेंशियल इंटरमीडियरी हैं तो कोनो क्रिप्टो वाले से लेन देन कीजिएगा मत, नहीं तो आपका लाइसेंस भी चल जाएगा। आरबीआई जो है सो क्लियर कट ब्लैंक कराया। इंडिया में लक्ष्मी क्वाइन वगैरह करके एक आठ नया शुरू हुआ था, आरबीआई जो है सो उन लोगों का दुकान बंद कराया कि नहीं ये सब अभी नहीं होगा। लेकिन कहानी में मोड़ आता है जब 2020 में मामला चला जाएगा सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट के पास केस हुआ, लोगों ने क्या बोला कि इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी है, बंद करके रखा है, पूरा दुनिया एक्सेप्ट कर रहा है, काहे नहीं करने दे, ये रोजगार के अवसर के अगेंस्ट में है, मौलिक अधिकार वगैरह बतिया दिए। सुप्रीम कोर्ट आ गया पक्ष में और सुप्रीम कोर्ट आरबीआई को बोला कि जो बंद करने का दिशा निर्देश दिए हैं उसको वापस लीजिए, इसको खोलिए, और आपका काम है नियंत्रण करने का, तो बंद करके नियंत्रण मत कीजिए, खोलिए और नियंत्रण का तरीका खोजिए कि कैसे नियंत्रित करेंगे, वो आपका काम है, आप देखिए कि उसको कैसे करने वाले हैं। 2020 के इस निर्णय के बाद आरबीआई को अलाउ करना पड़ा, आज के समय क्रिप्टो का ट्रेडिंग पॉसिबल है। लेकिन आरबीआई का अभी तक स्थिति क्या है, थोड़ा सा रुकिए हम अपने देख लेते हैं। आरबीआई के पास अपना एक लैब है जिसका नाम ये है, एक मिनट, आरबीआई के पास एक अपना लैब है, कहाँ गया, IDRBT, उसके पास एक अपना लैब है, इसके अंदर में आरबीआई खुद एक्सपेरिमेंट कर रहा है कि कैसे कैसे करे, कैसे करे तो कंट्रोल होगा, कैसे करे तो नहीं कंट्रोल होगा। आरबीआई अभी अपने सीखने समझने में है, हालांकि तब तक सुप्रीम कोर्ट जो है उसको ओपन करा दिया है। अभी के टैक्स के स्ट्रक्चर में भी क्रिप्टो वगैरह से लाभ को जो है सो टैक्सेशन करना हो गया कि अगर चल रहा है तो सरकार कम से कम टैक्सेशन करे। कायदे से भारत की
की स्थिति अभी तक स्पष्ट नहीं हुई है और इसके बारे में सरकार खुद उतरने के बजाय ये आरबीआई के लीड में है, क्योंकि मेन मौद्रिक नियंत्रक वो है। इकोनॉमी में ऐसा मुद्रा आ जाएगा जो कि उसके कंट्रोल से बाहर हो जाएगा तो ये बड़ी समस्या है और भारतीय अर्थव्यवस्था के लेवल का चीज है। तो थोड़ा अभी के समय बीच बीच में चल रहा है, आगे चल करके देखिए कि क्या होता है। डेवलपिंग कहानी है, इसको डेवलप होने में समय लगेगा। आरबीआई के इसी एक्सपेरिमेंट का परिणाम है ये ई रूपी, लेकिन ई रूपी के बारे में हम लोग आज बात नहीं करेंगे, ई रूपी को हम लोग अगले सेक्शन में मूव कर जाते हैं। ई रूपी देखेंगे और उसके साथ लास्ट टॉपिक हमारा क्लोज होगा। लेकिन आज के क्लास के बाद आई होप कि आपके दिमाग में ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी का आइडिया क्रिस्टल क्लियर हो जाना चाहिए, बिटकॉइन क्या है और है क्या चीज, पूरा मामला क्या है ना। ऑलराइट, आज के टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट क्वेश्चन हो तो उठाइए, वरना आज की बात को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। जाहिर सी बात है अभी हम समझ नहीं पाए हैं, वही बात है कि कटिंग टेक्नोलॉजी के साथ वही दिक्कत है कि नियामक को टेक्नोलॉजी बड़ा तेजी से बदलता है, कंट्रोल करने वाले को उसके साथ समय पे बदल पाना कंट्रोल करने वाले की चुनौती होती है, टेक्नोलॉजी तो तेजी से बदल जाता है। ऑलराइट, आज के बात को यहीं रखेंगे, कल मिलते हैं, कल इस सेशन में इसी बात को आगे जारी रखेंगे। इकोनॉमी के लास्ट में हम लोग मनी को क्लोज करने जा रहे हैं। थ्योरी का टॉपिक है, थोड़ा सा लोग रोते हैं लेकिन रोते धोते भी चार पन्ना है जो कि दवाई समझ करके अगले क्लास में देने जा रहे हैं, पचा लीजिए, परीक्षा में आपका काम हो जाएगा, बाकी चार पन्ना से ज्यादा आपको कष्ट नहीं देंगे। इधर की चीजें तो मजेदार है, इधर पढ़ने में दिक्कत नहीं होगा। एक थ्योरी का सेक्शन है जिसमें कुछ फॉर्मूला वगैरह हमको देखना पड़ेगा, उससे भागा नहीं जा सकता है, लेकिन बहुत ऐसा सेक्शन है, दवाई समझ करके उसको चार पन्ना को पचा जाना है, बाकी परीक्षा में काम हो जाएगा। इधर तो मैदार चीजें, इधर तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। चलिए कल मिलेंगे और कल हम लोग मनी का टॉपिक क्लोज करेंगे। ऑलराइट, हैव अ गुड नाइट, कल मिलते हैं। मॉर्निंग में नहीं, मॉर्निंग में दूसरा चीज चल रहा है।